और संडे को हम सभी लोग संपूर्ण समाधान सीरीज़ सीरीज़ में उपस्थित होते हैं। इस के माध्यम से हम सभी लोग जुलॉजी के लगभग 120 प्रश्न देखेंगे जो लोग जुलॉजी से बिहार पीजीटी एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो लोग ई एम आर एस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ई एम आर एस की अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू से कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन हो सकता है और जो लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं वो अपने को बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज हम सभी लोग जुलॉजी से 120 प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद करते हैं आप सभी लोग तैयार होंगे इस सेशन के लिए और इसके माध्यम से अपनी एनालिसिस बेहतरीन तरीके से करेंगे एक बार हम आपसे मुखातिब होते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हैं उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे सभी लोग साकुशल होंगे जी अभिषेक गिरी जी उपासना चौहान जी वंदना चौधरी जी नेहा सिंह जी गुड इवनिंग प्रतिमा जी जी मोहम्मद शमीम साहब विपिन कुमार जी अभिषेक गिरी जी सोनम राजपूत जी सुमित्रा मुर्मू जी अंकिता यादव जी प्रणम खुश रहिए संजीव कुमार जी मंजू जी डॉक्टर ऋतुराज जी मनोज कुमार जी गोपाल जी श्रीवास्तव जी सभी लोगों को गुड इवनिंग दीप शिखा जी रीना जी नेहा जी समीना जी सोनम राजपूत जी खुशबू उमर जी डॉक्टर ऋतुराज सिंह जी माही जी निषाद अहमद जी नेहा सिंह जी बिंदुसार सिंह बिंदुसार जी जी गोपाल जी श्रीवास्तव जी वेरी गुड इवनिंग खुशबू उमर जी नमस्ते खुश रहिए सोनम राजपूत जी गुड इवनिंग मनोज कुमार जी गुड इवनिंग शोभा चौधरी जी गुड इवनिंग उपासना चौहान जी गुड इवनिंग हम अच्छे हैं उपासना जी आप बताइए विपिन कुमार जी मंजू कुमारी जी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे जी आपके ओम सर भी अच्छे हैं डोंट वरी सभी को प्रणाम खुश रहिए नेहा सिंह जी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग साकुशल हैं अच्छे हैं दोस्तों आज हम सभी लोग इस सेशन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं आप में से जो लोग अभी तक किसी कारण बस अगर उनका एमएससी कंप्लीट नहीं हो पाया है या फिर बी एड नहीं हो पाया है और अभी तक किसी बैच से नहीं जुड़ पाए हैं वो सभी लोग 2024 के लिए टारगेट 24 बैच से जुड़ने के लिए इस नंबर पे ज्वाइन बायोलॉजी लिखकर भेजें और अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें जिन लोगों ने आज एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया है उनसे अभी हम टाइम टेबल की बात करते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आपकी संस्था में टीजीटी पीजीटी टी एल बायोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट कराया गया था, और सियोर टेस्ट सीरीज में लगभग बारह हजार दो सौ पचास प्रश्नों की श्रृंखला है आप में से जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जिन लोगों ने अपने होमवर्क प्लस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है वो अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए हमारे सीओ टेस्ट सीरीज बैच से जुड़ सकते हैं इसमें लगभग हमने बारह हजार दो सौ पचास प्रश्नों की श्रृंखला कराई है और इस बारह हजार दो सौ पचास प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अपनी प्रिपरेशन को बेहतर मोड में पहुंचा सकते हैं तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हों जो एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं कि हमने नब्बे टेस्ट सीरीज सॉल्व किया था इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है कल की बात होगी ना पूछा जाएगा आपने प्रैक्टिस कैसे किया था तो आप बताएंगे हमने नब्बे थी और नब्बे दो सौ पचास प्रश्न सॉल्व किए थे तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेस्ट से जुड़ने के लिए लोग एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन टू विद कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं वो सभी लोग एनसीईआरटी बैच से जुड़ने के लिए एट सेवन फाइव सिक्स सेवन जीरो फाइव डबल एट पर ज्वाइन एनसीईआरटी बायो लिखकर भेजें दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये प्रश्न जुलॉजी से संबंधित हैं और इन प्रश्नों का आंसर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से देंगे हर 25 क्वेश्चन के बाद हम आपकी एनालिसिस करेंगे कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किया है आज तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों का अगर एवरेज देखें तो 25 चौका 100 और 100 क्वेश्चन का जब एवरेज देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग 92 से 100 के बीच में होंगे ज्यादातर लोग 92 से 100 के बीच में होंगे और खास करके वो लोग जो जुलॉजी से एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार पीजीटी का उनके लिए ये सेशन खासा महत्वपूर्ण होने वाला है तो आज का टारगेट है सौ में से आपके बानवे से सौ के बीच में सिलेक्शन आज जितने लोगों को इस बीच में जितने लोग स्टैंड करेंगे समझ जाइएगा सभी लोगों का एवरेज बहुत अच्छा चलेगा एक क्वेश्चन है आपके सामने एंड प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम एनिमल्स डिफर इन किसमें डिफर करते हैं सिमेट्री में डिफर करते हैं आप कहेंगे नो सर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ में डिफर डिफर करते हैं आप कहेंगे इसीलिए तो हम लोगों ने याद किया है कि ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम में जो ओरिजिन ऑफ माउथ होती है यही डिफरेंट होता है इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार आप प्रश्न देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं सभी लोगों के झोले में जो आप लोगों का झोला है जो आप लोगों ने रेडी किया है उस झोले में उम्मीद करता हूं आज कोई खुलने का चांस नहीं होगा वन एंट्री हो गई है वन बाय वन आपके झोले में मामला चलने लगा है दूसरा क्वेश्चन है काफी अच्छा है थोड़ा सा एनालिटिकल है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ज्यादातर कहा देखने को मिलती है आकर विन एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में फ्रॉम विच डाइजेस्टिव ग्लैंड और कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है हाइड्रोलाइसिस कहां पर होती है तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए हाइड्रोलाइसिस के लिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जानी जाती है कल एक क्वेश्चन आया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होता है अगर केवल पूछे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन अगर पूछे लार्ज अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होता है कल ये क्वेश्चन आया था तो आप सभी लोग इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने देखा नहीं कि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन था तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका करेक्ट आंसर है कहा जाता है कि 80 से 90 परसेंट वाटर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है Absorb होता है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन ऑप्शन लगा था उसको आप सभी लोग सही कर लीजिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस कहां होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और हाइड्रोलाइसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है पैंक्रियास तो इसका भी आप सभी का आंसर करेक्ट आ रहा होगा बी इज द राइट आंसर जी सभी लोग कल के प्रश्न को सही कर लेंगे क्लियर जी तो वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेना है ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें काफी इंपॉर्टेंट है सीनोजोइक मिसोजोइक पैलियोजोइक आर्कियोजोइक आर्कियोजोइक देखते ही आपको याद आता है लाइफलेस अर्थ क्या याद आता है लाइफलेस अर्थ याद आता है उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को याद आता होगा लाइफलेस अर्थ उम्मीद करते हैं सभी को और सीनोजोइक को देख करके याद करता हूं कि सीना छत्तीस इंच का किसका है मैमल्स का सीना छत्तीस इंच का किसका है मैमल्स का और जैसे ही आप देखते हैं मिसोजोइक आप फट से याद करते हैं मिसोजोइक मतलब होता है एज ऑफ रेप्टाइल्स पैलियोजोइक मतलब होता है एज ऑफ फिशेस आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा बी इज द राइट आंसर उम्मीद करते हैं अभी तक आपके झोले में कोई कटौती नहीं हुई है थ्री बाई थ्री चल रहा है उम्मीद करते हैं सभी लोगों का थ्री बाई थ्री कॉन्सेप्ट चल रहा होगा और बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल हैव द कॉमन कह रहे हैं कि प्रो कैरियोटिक सेल में और यू कैरियोटिक सेल में कॉमन होता है माइटोटिक कॉमन होता है हिस्टोन प्रोटीन कॉमन होती है जेनेटिक कोड कॉमन होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन होती है तो सभी लोगों को आंसर आ रहा होगा कि सर जी इसमें कॉमन होता है जेनेटिक कोड इसमें क्या कॉमन होता है जेनेटिक कोड कॉमन होता है उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा जेनेटिक कोड इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा जेनेटिक कोड इज द राइट आंसर पूछा है प्रो कैरियोटिक में और यू कैरियोटिक सेल में कॉमन क्या होता है कॉमन क्या होता है तो आप जेनेटिक कोड जो होता होता है ये कॉमन बताइए फॉलोविंग आर नॉट इकाइनोडर्म्स लार्वा इसमें से कौन है जो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा नहीं विच आर द फॉलोइंग आर नॉट इकाइनोडर्म लार्वा इसमें से कौन है जो इकाइनोडर्म का लार्वा नहीं है

आर्थ्रोपोडा में आप पहुंचते हैं वहां देखने को मिलता है तो सभी का आंसर पांच तक बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है ऑन रिमूव ऑन रिमूविंग टेडपोल अगर फ्रॉग के टैडपोल से थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा टैडपोल से थायराइड ग्रंथि को हटाने पर क्या होगा डाई इमीडिएटली रिमेन टेडपोल थ्रू आउट द लाइफ ग्रो इन टू फ्रॉग नन एबव सभी का आंसर आ रहा होगा सर वो हमेशा हमेशा के लिए टैड पोल रह जाएगा क्योंकि उसमें मेटामार्फोसिस नहीं होगी और जब उसमें मेटामार्फोसिस नहीं होगी तो उसका क्या होगा तो वो हमेशा का हमेशा ऐसा ही रह जाएगा उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों के क्लियर कि वो हमेशा का हमेशा टैड रह जाएगा द एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया आर कॉल्ड ऐसे एनिमल जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप कहेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है उसे हम लोग यूरियोटेलिक कहते हैं ऐसे एनिमल्स जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आप बताएंगे सर उन्हें हम लोग यूरियोटेलिक के नाम से जानते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पर फॉलोइंग इनक्लूड्स ऑल होमोलॉगस आर्गन इसमें से कौन है जो सभी होमोलॉगस आर्गन को बताते हैं इसमें से कौन है जो सभी होमोलॉगस आर्गन को बताते हैं फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग विंग्स ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्स ऑफ रेबिट लेग्स ऑफ कॉकरोच हैंड लेग्स ऑफ फ्रॉग एंड फोर लिम्स ऑफ रेबिट विंग्स ऑफ बटरफ्लाई विंग्स ऑफ बर्ड्स विंग्स ऑफ बैट ंग्स ऑफ बर्ड विंग्स ऑफ बैट विंग्स ऑफ फ्लाइंग आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा होमोलॉगस ऑर्गन है मतलब आपको लगता है जिनकी ओरिजिन सेम होती है function different होते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन है इनकी ओरिजिन डिफरेंट होती है इनकी ओरिजिन सेम होते हैं फंक्शन डिफरेंट होते हैं और लगभग सभी का आंसर आ रहा होगा ए इज द राइट आंसर आप में से लगभग सभी का करेक्ट आंसर चल रहा होगा ए इज द राइट आंसर डन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन आपकी स्क्रीन पर क्रोमोसोम ऑफ मैन आर क्रोमोसोम्स ऑफ मैन आर मैन का क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम्स ऑफ मैन आर मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक आल ऑफ द एब सभी का आंसर आ रहा होगा आल ऑफ द एब इज द राइट आंसर कहेंगे सर जी हमको पता है कि जो क्रोमोसोम्स मैन का होता है वो कैसा होता है वो मेटासेंट्रिक होता है सब मेटासेंट्रिक होता है टीलोसेंट्रिक होता है और एक्रोसेंट्रिक होता है यहां पर एक ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन ये तीनों जो हैं किसमें पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स ऑफ मैन की कैटेगरी में आते हैं टेन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्केरिस हैज विच ऑफ द Following types of egg cleavage. किस examination के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं उम्मीद करता हूँ लगभग सभी लोगों का आंसर आएगा कि इसमें कौन सा होता है जितने लोगों ने आंसर किया है जी जितने लोगों ने आंसर किया है स्पाइरल सभी लोगों का करेक्ट आंसर है कि इसके एग में स्पायरल इस कैसा क्लिवेज होता है स्पायरल क्लिवेज होता है कैसा होता है स्पायरल क्लिवेज होता है और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है फॉलोविंग इज ट्रू फॉर एन इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम के लिए कौन सा सही है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी and cycling of minerals only flow of energy only cycling of minerals none of the above कह कि एक इकोसिस्टम में क्या होता है जी फ्लो ऑफ एनर्जी होता है साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स होता है या दोनों होता है या इसमें से कुछ नहीं होता है आप सभी का आंसर आ रहा होगा इसमें से दोनों होता है बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस इन इकोसिस्टम आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा कि इसमें दोनों होता है और दोनों देखने को मिलता है और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है संजीव सिंह का छोड़कर संजीव जी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसमें दोनों होता है एनर्जी का भी फ्लो होता है और मिनरल्स का भी साइक्लिंग होता है विच आर नॉट अ पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाज का कीट नहीं है अच्छा सा क्वेश्चन है पीएससी का एग्जाम है तो पीएससी का प्रश्न है तो ये इस प्रश्न को भी आपको जानते रहना है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में यह पूछा गया है ऑफ मतलब कीट भंडारित अनाज का कीट नहीं है ट्राइबोलियम क्लैन कैलेंड्रा टेनिब्रियो या पायरिला इसका सही आंसर है पायरिला जो है ये नहीं है कीट भंडारित अनाज का कीट नहीं है पायरिला का नाम याद रखना है यह नया क्वेश्चन है कॉपी में नोट कर लेना है तो और वहां लिख देना है कि पायरिला लिखना है फिर लिखना है पायरिला इज इंसेक्ट नॉट अ पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट का इंसेक्ट नहीं होता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपकी स्क्रीन पर प्रोटीन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन बनता है प्रोटीन किससे मिलकर बनता है बताने की कोशिश करिएगा कार्बन से हाइड्रोजन से क्लोरीन से क्लोरीन कहाँ गया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से आप बताएंगे ये हो सकता है कार्बन मैग्नीज कहां से आ गया आयोडीन कहां से आ गया इसका सही आंसर है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन से मिलकर बनता है लगभग सभी का करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर बहुत अच्छे वेरी गुड एक्सीलेंट ई एम पी जब आप एम्बेन मेयर ऑफ पाथवे पढ़ते हैं तो आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है संभाल के जवाब दीजिएगा थ्रो ई एम पी पाथवे इन एडिशन टू टू ए टीपी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऑफ वन मोर कंपाउंड इज फॉर्मड जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस में आप देखते हैं दो ए टीपी का फॉर्मेशन होता है इसके अलावा कह रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल का और फॉर्मेशन होता है और वो दो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं टू मॉलिक्यूल और क्या बनता है आप बताएंगे सर जी और बनता है NADH2. क्या बनता है दो मॉलिक्यूल एनएडीएच टू का छी तो एटीपी ये दो ए टी पी वो मिला करके आठ ए टी पी बन जाते हैं और नेट टू एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जी एन टू बनता है क्या बनता है एन टू बनता है उम्मीद करता हूं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा एन टू बनता है क्या बनता है एन टू बनता है इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर क्लाइकोलाइसिस जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एनएडीएच टू बनता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज ऑल्सो प्रेजेंटेड बाई एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं कि एवोल्यूशन का जो एविडेंस है विकास का प्रमाण पशु वितरण द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है द थ्री एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ लंग फिशेस आर नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ वन एंड द सेम कॉन्टिनेंट उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा ये आपका बिल्कुल सही है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज आल्सो प्रेजेंटेड बाय एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन से भी एविडेंस आपके विकास का प्रमाण पशु वितरण द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि क्योंकि लंग्स जो लंग्स फिशेज हैं जिसमें से तीन लंग फिशेज हैं एक ही महाद्वीप के ताजे पानी में नहीं पाई जाती हैं मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं कि ये तीनों फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती हैं लेकिन फिर भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक बार क्योंकि जोड़ के देखिए तो आप सभी को जवाब मिलेगा इसका ए आंसर करेक्ट है बोथ ए एंड बी एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर ये बताता है ऊपर का असरसन आपसे कह रहा है कि विकास का प्रमाण पशु वितरण पर पशु वितरण द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है मतलब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आल्सो प्रेजेंटेड बाय एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इससे आपको एक्सप्लेन करके ये बताया गया कि जो लंग फिशेस होती हैं

नंबर क्वेश्चन आसान सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोरल इसमें से कौन है जो कोरल नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल इसमें से कौन है जो कोरल नहीं है पिनाटूला ट्यूबिपोरा ऑक्यूलाइना या साइनिया आपका आंसर आना चाहिए साइनिया इज नॉट अ कोरल साइनिया कोरल नहीं है साइनिया क्या है साइनिया कोरल नहीं है यह भी आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि यह क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा कोरल नहीं है डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठ सकते हैं इसीलिए इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ती है यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा साइनिया भी क्या है साइनिया भी कोरल नहीं है विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्नैक्स स्नैक्स के बारे में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वैसे आप स्नैक्स के बारे में बहुत जानते हैं जी नाग पंचमी जब आता है तो हम आपको स्नेक के बारे में पढ़ाते हैं आज तक का इतफाक है जितनी बार स्नेक पढ़ाया गया है उतनी बार आपकी नाग पंचमी का त्योहार रहता है तो नाग के बारे में स्नेक के बारे में आपको काफी अच्छा नॉलेज है आई होप सो ये देखिए स्नेक्स आर बोथ ओवीपेरस एंड पेरस आप बताएंगे यस सर स्नैक्स कैन ईट अदर स्नैक्स आप बताएंगे यस यस सर। सर। आप बताएंगे ये, swimmer, बताएंगे, ये, See, ये गलत सी स्नैक्स भी पॉइजनस होते हैं सी स्नैक्स भी पॉइजनस होते हैं जी बहुत अच्छे वेरी गुड मतलब ऐसे सारे टॉपिक हैं कि आप आसानी से जी आप आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन एमनियॉर्ड्स डू नॉट इंक्लूड्स एमनिओंट्स में कौन नहीं आता है आपसे बताया था जब एमनिओंट का नाम आता है तो आपको याद आता है आर ए एम रेप्टाइल एविस और मैमेलिया ये क्या है ये रेप्टाइल एविस और मैमेलिया ये आपके किस में आते हैं आप बताएंगे सर ये एमनियोड्स में आते हैं और कौन है वो नहीं आता है आपका आंसर आएगा सर एम्फीबिया एम्फीबिया एम्स में नहीं आता है और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पॉइंट याद होगा कौन नहीं आता है एम्फीबिया नहीं आता है जी एम्फीबिया नहीं आता है और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड एंड यूरेट्स आर स्टोर्ड इन कह रहे हैं कि इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड और यूरेट ये कहां पर स्टोर्ड होते हैं जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरिक एसिड और यूरेट ये कहां पर स्टोर्ड होते हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है सेल्स ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ मालपीगियन ट्रिब्यूल सेल्स ऑफ द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मालपीगियन ट्रिब्यूल फैट बॉडीज या कार्पोरा कार्डिया का आप सभी का आंसर आना चाहिए सर जी ये स्टोर्ड होते हैं फैट बॉडीज में इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है फैट बॉडीज इज द राइट आंसर और सब लोगों का लगभग लगभग करेक्ट आंसर आ रहा है फैट बॉडीज इज द राइट आंसर उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर है फैट बॉडीज इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी आपकी कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पसल्स आर इंक्रीज वेरी मच इसमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें व्हाइट ब्लड व्हाइट ब्लड कार्पसल्स के नंबर तेजी से बढ़ जाते हैं एंड इमेरेशन और जो इमेर इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड इसे ही हम लोग क्या कहते हैं इसे ही हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं जब किसी व्यक्ति में डब्लू बी सी की संख्या खूब बढ़ जाती है और वो ब्लड में सर्कुलेट होता है दिस इज कॉल्ड ल्यूकेमिया इसे ही हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं और ल्यूकेमिया ये डब्ल्यू का या आप कह सकते हैं ब्लड का कैंसर होता है ल्यूकेमिया जो होता है यह ब्लड का कैंसर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जी इंपॉर्टेंट दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी संस्था में सीओ टेस्ट सीरीज में लगभग 12,250 प्रश्न कराए गए हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिनका सिलेबस बेहतरीन तरीके से कवर हो चुका है जिन लोगों ने अपने सिलेबस को कवर कर लिया है वो सभी लोग इस बैच से जुड़ने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला इसमें से कौन है जो स्नेल को इन्फेक्ट करता है फैसियोला की लाइफ साइकिल में काफी अच्छा क्वेश्चन है स्नेल को कौन स्नेल को कौन इन्फेक्ट करता है उम्मीद करता हूं लगभग आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा कौन इन्फेक्ट करता है तो लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है राजीव कुमार मतलब लता नयन जी का सबसे पहला आंसर आया है सर जी मीरा सीडियम है जो इसको क्या करता है जो इसको इन्फेक्ट करता है कौन इस, कौन स्नेल इस को इन्फेक्ट करता है लार्वा है जो स्नेल को इन्फेक्ट करता है नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कॉमन बिटवीन एंडा अमेरिकाना में निम्नलिखित में से कौन सा इसके बीच आम है कौन सा इसके इसमें कॉमन होता है हर्माफ्रोडिटिज्म या फिर एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया या फिर रिस्पिरेशन बाय ट्रैकिया या फिर वेंट्रली लोकेटेड नर्व कॉर्ड इसमें क्या कॉमन देखने को मिलता है, आप सभी लो बताएंगे, इसमें होता है इसका नर्व वेंट्रली लोकेटेड नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं जो कि कॉमन कैरेक्टर है जो कि क्या है कॉमन कैरेक्टर हैं और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है कि कॉमन कैरेक्टर में के नंबर आते हैं किसके आते हैं के नंबर आते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन है लार्वा यूनियो। यूनियो का लार्वा इज फ्री स्विमिंग इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश इज एंडोपैरासाइट ऑफ फिशेस या फिर लिव्स इन बॉटम तो सबको याद आ रहा होगा ग्लोचिडियम लार्वा जो होता है ये फिश पर एक्टोपैरासाइट की तरह रहता है और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा कि ये कैसा रहता है ये एक्टोपैरासाइट की तरह रहता है ये फिश पर एक्टोपैरासाइट की तरह रहता है और लगभग सभी का करेक्ट आंसर चल रहा है बी इज द राइट आंसर एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश ये फिश पर एक्टोपैरासाइट की तरह रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पर एक अच्छा सा क्वेश्चन है स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट का ऑफ लाइफ के समय विच मिक्सचर वॉज यूज बाई मिलर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए मिलर ने किस मिश्रण का प्रयोग किया था मिलर ने जिस मिश्रण का प्रयोग किया था उसमें एक था मीथेन, आप सभी लोग जानते हैं और उसमें नहीं था ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं था और उसमें मीथेन प्रेजेंट था तो जिसमें जिसमें ऑक्सीजन होगा वो आंसर नहीं होगा मीथेन था जी तो ए और सी ऑप्शन गया उसके बाद अब आपके सामने बचा है मिथेन था अमोनिया था हाइड्रोजन था वाटर था इथेन था अब इथेन है बी तो और आपको याद होगा मुझे पता है कि सर जी क्या था मिथेन था अमोनिया था सी एच फोर था एन एस थ्री था और एच टू ओ था और कौन था हाइड्रोजन था ये थे क्या नहीं था ऑक्सीजन नहीं था आप सभी लोगों को याद रहेगा कि ऑक्सीजन नहीं था और क्या था मिथेन था मिथेन था और ऑक्सीजन नहीं था ये बात याद रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिम्युलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल इसमें से कौन है जो गॉल ब्लैडर को स्टिम्युलेट करता है टू तो रिलीज बाइल बाइल को रिलीज करने के लिए कौन है जो इसको स्टूमुलेट करता है तो आप सभी को याद होगा सीसी के कोल सभी को याद है कोल है जो गॉल ब्लैडर को क्या करता है स्टिमुलेट करता है टू तो सिक्रीट सिक्रीट करने के लिए किसको तो आप बताएंगे बाइल जूस को कौन है जो ऐसा करता है आप बताएंगे सर यह काम करने वाला आपका कौन है यह काम करने वाला आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीसी के कोल सिस्टोकाइनिन ये हुए आपके पच्चीस क्वेश्चन ये हुए आपके पच्चीस क्वेश्चन देखते हैं आप सभी में से सभी लोग पच्चीस क्वेश्चन में कहां तक टेल मी फास्ट एकदम करेक्ट और के साथ आंसर बताइएगा पच्चीस में से आपका स्टैंडिंग पॉइंट कहां रहा आप पच्चीस में से कहा स्टैंड कर रहे हैं दो क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ थे इसलिए कुछ लोगों के हो सकते हैं और कुछ लोगों के चौबीस हो, हो सकते हैं कुछ लोग लेट से जुड़े हैं उनकी कोई बात ही नहीं है जो लेट से जुड़े हैं वो अपना अपनी चौबीस अपनी बाईस हाँ, जी चौबीस लोग भी हैं चौबीस वाले भी दिख रहे हैं जी बहुत अच्छे वेरी गुड उम्मीद करते हैं जी इसी तरीके से करना है देखते हैं आपकी सिचुएशन आपको कहां तक पहुंचाती है एक राउंड आपने क्लियर किया दो राउंड तीन राउंड और समझिए और काफी अच्छा फील करिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर करिए मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा मैच लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें करेक्ट आंसर बताएं ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन जियोमेट्रिक रेशियो रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट फॉलोइंग एनाटोमी ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय बडिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पें बॉडी फॉर्म डिस एग्रीगेटेड स्पंज उम्मीद करते हैं इधर है रीजनरेशन रिकॉन्स्टिट्यूशन आसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन जियोमेट्रिक रेशियो मतलब ओवर प्रोडक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ लास्ट पार्ट मतलब रीजनरेशन मतलब ए का फोर हो जाएगा और आपका बी का वन ए का फोर बी का वन रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पन्जेस रिकॉन्स्टिट्यूशन उम्मीद करता हूं लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा इसलिए अगले में फिर आपके झोले में वन बाई वन उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा और सी सभी लोगों ने आंसर किया होगा क्या आंसर किया होगा सी सभी लोगों ने आंसर किया होगा और सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ हर्डमानिया एंड एम्फीऑक्सस हर्डमानिया और एम्फीऑक्सस दोनों को सोचिए और बताइए कि दोनों में क्या सही नहीं है बोथ आर मैरीन ये तो सही है बोथ आर माइक्रोफेगस ये भी सही है बोथ आर सीलियरी फिल्टर फीडर ये भी सही है Both perform retrogressive metamorphosis, आप कहेंगे बहुत आसान क्वेश्चन था सर जी हार्बानिया जो होता है वो मेटामार्फोसिस शो करता है बाकी ये मेटामार्फोसिस शो नहीं करता है जितने लोगों ने डी आंसर किया है सभी लोगों का आंसर करेक्ट है सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स फैक्टर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आंसर करिए, देखते हैं आप में से कितने लोगों का आंसर करेक्ट आता है सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स फैक्टर टेक्स प्लेस सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स फैक्टर टेक्स प्लेस जी जी बताने की कोशिश करिएगा उम्मीद करते हैं कि करेक्ट आंसर आएगा उम्मीद करते हैं कि करेक्ट आंसर आएगा मी फास्ट जी लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर चल रहा है और जितने लोगों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन को संभाल कर रखिए सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स फैक्टर टेक्स प्लेस एट मेंडल फैक्टर का सेग्रीगेशन किसमें हो देखने को मिलता है एनाफेज फेज वन आप में से जितने लोगों ने फेज वन आंसर टिक किया है सभी लोगों का आंसर करेक्ट है लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा फेज टू हो सकता है कुछ लोगों को एनाफेज कोई बात नहीं आप अपने क्वेश्चन का जवाब देते रहिए क्वेश्चन को करते रहिए और जो है जानते रहिए सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स लाग सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स ला, से, ला किसमें देखने को मिलता है जी किस में देखने को मिलता है तो एनाफेस फर्स्ट में देखने को मिलता है आप लोग एक बार अपनी बुक से कंसल्ट करिएगा तो उसका सही आंसर आपको मिलेगा एनाफेस फर्स्ट जी टोटल लंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फेफड़ों की कुल क्षमता को निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है टोटल लंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई टोटल लंग कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं

र द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर आर्टरीज आर्टरीज के लिए कौन सा फॉल्स है आर्टरीज के लिए कौन सा फॉल्स है जी विच आर द फॉलोइंगउट आर्टरीज आर्टरीज के लिए क्या गलत हैव वॉल्व हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो ऑल ऑफ दीस और उम्मीद करते हैं सभी का आंसर आ रहा होगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि आर्टरीज में वाल्व नहीं होते ये वाल्व किस किसमें पाए जाते हैं वेन में पाए जाते हैं। कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी थर्टी वन द लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन द किडनी ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है ये किसकी किडनी में पाया जाता है काफी अच्छा क्वेश्चन है लूप ऑफ हेनले किसकी किडनी में पाया जाता है आप एक तो बताएंगे मैमल्स में पाया जाता है डन है मैमल्स में पाया जाता तो है जी मतलब तो और किस में पाया जाता है आप बताएंगे किडनी में पाया जाता है बर्ड और मैमल्स की किडनी में पाया जाता है जी तो जो लोग आंसर कर रहे हैं एम्फीबिया सुधर जाए बर्ड्स और मैमल्स में यह पाया जाता है थर्टी वन का सी करेक्ट आंसर है और ये सब प्रश्न की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है विच आर द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्युल मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट आसान सा क्वेश्चन है इसमें से कौन सी लार्जेस्ट होती है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोब्युल मॉलिक्यूल कौन सा है विच वन इज लार्जेस्ट इसमें से कौन सा है जो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोब्युल की कैटेगरी में आता है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन कौन सा है सभी का आंसर आ रहा होगा आई कौन सा है आई ये लार्जेस्ट है बहुत अच्छे वेरी गुड एक्सीलेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आपकी स्क्रीन पर वेन अ पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज स्लोली जब एक पॉपुलेशन पहले स्लोली इंक्रीज करती है देन रैपिडली एंड फाइनली बिकम्स कॉन्स्टेंट और फाइनली क्या हो जाती है कॉन्स्टेंट हो जाती है द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होगा 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 एस 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 कैसा कैसा याद रखिएगा कर्म होगा पॉपुलेशन ग्रोथ शेप कैसा होगा एस शेप्ड होगा, होगा? होगा. होगा? होगा? लगभग सभी का करेक्ट आंसर है सर जी एस शेप्ड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आपकी स्क्रीन पर इफ टू डोमिनेंट आर रिसेसिव काफी अच्छा क्वेश्चन है इफ टू डोमिनेंट आर रिसेसिव नॉन एलेलिक जीन आर फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम द कंडीशन इज नोन एज जब भाई डोमिनेंट और रिसेसिव नॉन एलेलिक जीन दोनों सेम क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे तो उसे हम लोग उस कंडीशन को क्या कहते हैं तो आप बताएंगे उस कंडीशन को कहते हैं कि इसमें सिस भी होता है और इसमें ट्रांस भी होता है क्वेश्चन याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर समझिएगा इसमें cis और ट्रांस दोनों फेज होता है ऐसे याद रखिएगा जब दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव नॉन जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं उसे कहते हैं कि सिस एंड ट्रांस फेज दोनों उसमें प्रेजेंट है तो इसका आंसर याद रखिएगा एंड ट्रांस मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच एमंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रो कैरियोटिक सेल इसमें से कौन सा है जो प्रो कैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है विच जो प्रो कैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है बैक्टीरिया है माइकोप्लाजमा है नॉस्टॉक है कौन सा नहीं है क्लोरेला नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्लोरेला इज द राइट आंसर और उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी का आंसर जा रहा होगा क्लोरेला अच्छे बहुत अच्छे जी बेहतरीन नो डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन लैमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज यूजली नोन एज लैमार्क की थ्योरी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को जाना जाता है जैव विकास के लैमार्क सिद्धांत को आमतौर पर जाना जाता है नेचुरल सिलेक्शन के नाम से इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से या डिसेंट विथ चेंज के नाम से या कंटिन्यूटी ऑफ के नाम से सभी का आंसर आ रहा होगा इसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से जानते हैं इसे किसके नाम से जानते हैं के नाम से जानते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से जानते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर काफी अच्छा है थर्टी सेवन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आपकी स्क्रीन पर और उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा कह रहे हैं कि वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ रैबिट इज वर्टिब्रल फार्मूला रैबिट का होता है रैबिट का खरगोश का सूत्र होता है मतलब आपको खरगोश का जानना है खरगोश के बाद आज हॉर्स का भी जानना है और हॉर्स के बाद आपको काउ का भी जानना है काऊ के बाद आपका मैन का भी जानना है इन तीनों का वर्टिब्रल फॉर्मूला हम आपको सिखाएंगे पहले आप खरगोश का बताइए क्या हो सकता है तो आप बताते हैं सर खरगोश में सर्वाइकल कितने होते हैं सेवन थोरेसिक कितने होते हैं ट्वेल्व लंबर कितने होते हैं सिक्स और जो है सैक्रम कितने होते हैं फोर कॉक्सियल कितने होते हैं सिक्सटीन जी याद रहेगा कॉक्सियल कितने होते हैं सिक्सटीन तो ये कौन सा आंसर आंसर सही हो जाएगा इनका सही आंसर हो जाएगा ए जी आपको ये याद रखना है ये क्या करना है ये याद रखना है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को इसे याद रखना है यह मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी हम आपको तीन और याद करा देते हैं अगर आपसे पूछा जाए डीओजी डॉग का कितना होता है डॉग अगर आपसे डॉग का पूछा जाए तो नोट कर लीजिए डॉग का पूछा जाए तो नोट कर लीजिए इसका होता है सी सेवन टी थर्टीन सी सेवन टी थर्टीन एल सेवन एंड एस थर्टीन एल सेवन एंड एस थर्टीन और इसका सी डी होता है सिक्सटीन से लेकर ट्वेंटी टू तक ये डॉग का है सी सेवन टी थर्टीन एल सेवन एस थर्टीन और सी डी कितना है तो अब एस थ्री थर्टीन नहीं सॉरी एस थ्री एस थ्री और सी डी कितना है 16 से ट्वेंटी टू ये आपके डॉग का है जी तेरह सात बीस सात सत्ताईस तीन तीस तीस दस चालीस छियालीस लगभग जी, डॉग के बाद एक याद करना है आपको काउ काउ का, का याद रखना है काउ का कितना होता है सेवन होता है थर्टीन होता है सेम से रेशियो है सिक्स होता है फाइव होता है और 18 से बाईस होता है मतलब इसमें सी कितना होता है सेवन होता है टी थर्टीन होता है एल सिक्स होता है एस फाइव होता है सी डी अठारह से बाईस होता है इसके बाद बारी आती है काउ के बाद आपको याद करना है ह्यूमन का कितना होता है ह्यूमन का तो उम्मीद करते हैं सभी को याद होगा ह्यूमन का सेवन होता है ट्वेल्व होता है फाइव फाइव फोर होता है फाइव फाइव फोर होता है मतलब सी सेवन होता है टी ट्वेल्व होता है एल फाइव होता है एस फाइव होता है सी डी फोर होता है टोटल जोड़ते हैं तो बारह सात उन्नीस पांच चौबीस पांच उन्तीस चार तैतीस कितने वर्ड कितन, इसका कितना आता है थर्टी थ्री ये तीनों नोट कर लेना है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये तीनों नोट कर लेना है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है शिवांशी श्रीवास्तव जी इसकी कोई ट्रिक नहीं है बस इसको आपको इतना जानना है कि इसमें सर्वाइकल कितने होते हैं सेवन होते हैं थोड़े कितने होते हैं ट्वेल्व होते हैं लंबर कितने होते हैं पांच होते हैं और इसका सैक्रम कितना होता है पांच होता है और इसका कितना होता है तो आप बताएंगे इसका कॉग्जियल होता है चार होता है ये याद करना है थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है मनुष्य वाला याद करके रखिएगा खरगोश वाला दिया है एक काऊ वाला याद कर लीजिएगा कहीं पूछ लिया तो सात तेरा जी डन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए थर्टी एट नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट दाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाईल पहला एनिमल किंगडम कौन सा है जिसमें आपने बाईलैटरल सिमिट्री पढ़ी है पहला एनिमल किंगडम कौन सा है द फर्स्ट एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाई लेटरल सिमिट्री इज पहला एनिमल किंगडम कौन सा है जिसमें आपने बाइलेटल सिमिट्री पढ़ी है और सभी लोगों का आंसर आ रहा है प्लेटी राइट आंसर right बहुत अच्छे वेरी गुड एक्सीलेंट जी अच्छा रहा आंसर थर्टी एट का क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ल्यूटियल फेज ऑफ प्राइमेट काफी अच्छा क्वेश्चन है ल्यूटियल फेज ऑफ प्राइमेट सेक्सुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाई कह रहे हैं कि प्राइमेट यौन चक्र का ल्यूटियल चरण नियंत्रित होता है स्ट्रोजन के द्वारा प्रोजेस्ट्रॉन के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा स्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के द्वारा आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा ये प्रोजेस्ट्रॉन केवल प्रोजेस्ट्रॉन के द्वारा कंट्रोल होता है स्टार लगा लीजिएगा ल्यूटियल फेज ऑफ प्राइमेट प्राइमेट का जो ल्यूटियल फेज होता है सेक्सुअल साइकिल का उसको कौन कंट्रोल करता है तो बताइएगा ओनली प्रोजेस्ट्रॉन कौन प्रोजेस्ट्रॉन केवल और केवल प्रोजेस्ट्रॉन करता है केवल और केवल कौन करता है प्रोजेस्ट्रॉन करता है कंट्रोल्ड जी ड्यूरिंग इंपल्स कंडक्शन द कॉज ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलिमा इज अच्छा क्वेश्चन है ड्यूरिंग इंपल्स कंडक्शन जब इंपल्स कंडक्शन होता है तो कॉज ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलिमा इज एक्सोलिमा का डीपोलराइजेशन होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन याद रखिएगा इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन ये कैसे होता है सोडियम आयन के इनफ्लक्स होने से होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी कॉपी में नोट करके रखिएगा इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन ये कैसे होता है सोडियम आयन के इनफ्लक्स से होता है और उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन के कारण होता है दोस्तों आप में से जो लोग केवीएस एनवीएस जीआईसी या फिर ईएमआरएस को फोकस कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए और खास करके जो लोग बिहार पीजीटी देने जा रहे हैं बिहार पीजीटी जुलॉजी या बॉटनी से दे रहे हैं तो अपने सिलेबस को तो आप कंप्लीट करके जा ही रहे हैं साथ में आप एनसीआरटी को भी बेहतरीन तरीके से कवरअप कर सकते हैं अगर आपका बॉटनी सेक्शन है तो बॉटनी वाले स्टूडेंट जो हैं वो जुलॉजी में केवल तीन टॉपिक नहीं पढ़ेंगे बस कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे नॉन और एनिमल फिजियोलॉजी इन तीन टॉपिक को छोड़ेंगे बाकी सारे टॉपिक आप जानते हैं कॉमन होते हैं दोनों में सेल बायोलॉजी एक ही होती है दोनों में जेनेटिक्स एक ही, ही होती है दोनों में इवोल्यूशन एक ही होता है दोनों में आप बताएंगे एक ही होती है, दोनों में मॉलिक्यूल्स एक ही होते हैं दोनों में बायोटेक्नोलॉजी एक ही होती है। वाले, का तीन नहीं पढ़ेंगे। और वाले जो है वो बॉटनी का तीन एरिया नहीं पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी टैक्सोनॉमी और लोअर बॉटनी इनको छोड़ करके इनको भी सारी चीजें पढ़नी है तो आप अपनी प्रिपरेशन

सात नवंबर को पहला मॉक टेस्ट आप तक पहुंचेगा और वो मॉक टेस्ट एक बजे होगा वो मॉक टेस्ट एक बजे आपके एप्लीकेशन पर पहुंचेगा आप सभी लोग मॉक टेस्ट बहुत अच्छा होगा ये आपको हम हंड्रेड परसेंट श्योर हैं कि इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छे करेंगे और सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छे से आपकी होगी सेवेंटी क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो एक क्वेश्चन होगा उसके चार ऑप्शन होंगे आप सही गलत जो करेंगे आप तुरंत ही आपको पता चलेगा कि आपने सही किया या आपने गलत किया अगर इस सत्तर क्वेश्चन में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है आप अपने को मानते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं तब आपका स्कोर 55 प्लस जाएगा जब आपका स्कोर पहले मॉक टेस्ट में 55 प्लस जा गया तो आप समझ जाइएगा एंडिंग होते होते आप 65 प्लस जरूर पहुंचेंगे ये मॉक टेस्ट आपको कोई आपको जाने या ना जाने लेकिन इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को जरूर जानेंगे और यह मॉक टेस्ट एक दो नहीं है पचास मॉक टेस्ट है मतलब ये आपके पचास दिन कवर कर रहा है और पचास दिन में क्या क्या वादा है वो आप जानते हैं सात नवंबर को मॉक टेस्ट देने से पहले आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कि लिविंग वर्ड चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ड चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और लिविंग वर्ड में जितने भी टॉपिक आते हैं वो आप चाहे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो चाहे प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट हो चाहे एनाटॉमी ऑफ प्लांट हो ये सब आप पढ़ करके आ रहे हैं हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आपसे और सात नवंबर को हम बात करेंगे आपसे कि आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा क्योंकि आपको पता है कि हर रोज हम आपके साथ क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं और अपने टॉपिक को धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे रहे हैं हैं तो आप सभी लोग लोग पूरी ईमानदारी के साथ और जो बिहार पीजीटी देने जा रहे हैं, अगर वो मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग भी पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े क्वेश्चन एनसीआर बेस्ड होगा आपको फायदा बहुत होने वाला है इस मॉक टेस्ट के लिए हमने आप सभी लोगों के रियायत के लिए इस मॉक टेस्ट का फी मात्र पांच रुपए रखा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पांच रुपए में आप सभी में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 50 मॉक टेस्ट के लिए आपको कितना पेमेंट करना है पांच रुपए और आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट से जुड़ेंगे चाहे आप टीजीटी का एग्जाम देना है चाहे पीजीटी का देना है चाहे एल का देना है चाहे जी का देना है चाहे केवीएस देना है चाहे एनवीएस देना है चाहे सर पे सवार दो एग्जाम है ई एम आर एस देना है या फिर आपको देना है बिहार कुछ भी एग्जाम देना है आपको इस मॉक टेस्ट से जुड़ने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और लिख कर भेजना है ज्वाइन मॉक टेस्ट ई एम आर एस अगर आप इसे करते हैं तो हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं आने वाले पचास दिन आने वाले पचास दिन आपके ऐसे होने वाले हैं सात नवंबर से आने वाला पचास दिन आपका ऐसा होने वाला है जिसमें आप क्या करेंगे जिसमें आप बेहतरीन तरीके से जिसमें आप बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी का पुनः एक बार रिवीजन करेंगे पुनः एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे इसी बहाने से आपकी बायोलॉजी की एक बार रिवीजन का कार्य और हो जाएगा और आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हो कि जो लोग जुड़ेंगे आपको पता है टीजीटी में पचास सीट है पीजीटी में पचास सीट है जो लोग जुड़ेंगे उस पचास सीट की मेरिट को जरूर बढ़ाएंगे अगर आप इस मेरिट से पीछे रह गए तो आपकी डेढ़ साल की मेहनत आपकी दो साल की मेहनत आपको परेशान करेगी और उन लोगों के लिए बिल्कुल है हर मर्ज की दवा है ये जो ई एम आर एस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अगर इस मॉक टेस्ट से जुड़ने के जुड़ने के बाद ई एम आर एस में दस क्वेश्चन प्लस हो गए मतलब ऐसे आप पचपन करके आ रहे थे अगर इससे दस क्वेश्चन बढ़ गए और आप पैंसठ हो गए पैंसठ बायोलॉजी का मतलब होता है कि आपका नाम 236 सीटों में जरूर दिखेगा 236 सीट्स में जरूर दिखेगा यह जरूर से जरूर 236 सीट में आपका नाम जरूर से जरूर दिखेगा जी और जिनका सिलेक्शन होगा आप सभी लोग जानते हैं वो सभी लोग यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे बहुत जल्द ही बहुत ही बहुत जल्द ही आप सभी लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आप ही के बीच में से फिर कमेंट आएगा कि हमारा सर यहां हो गया हमारा यहाँ हो गया हमारा यहाँ हो गया तो ये सिलसिला जारी रखने के लिए हमने आपके लिए मॉक टेस्ट रेडी किया है और पचास दिन की ये बेहतरीन तरीके से आपकी तपस्या है जो आपको इस पचास दिन में हो सकता है आपका टीजीटी अनाउंस हो जाए पीजीटी अनाउंस हो जाए LT की वैकेंसी अनाउंस हो जाए तब तो आप पीछे रह जाएंगे ना उन बच्चों से जो ये एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं पंजेंट स्मेल इन कॉकरोच अकर्स ड्यू टू आ काफी अच्छा क्वेश्चन है कॉकरोच में एक अजीब सा स्मेल आता है लड़कियां बता रही हैं हाँ सर आता है कॉकरोच में एक अजीब सी स्मेल आती है कुछ लोग बता रहे हैं कि यस सर आती है कुछ लोग काक्रोच के काफी करीब होते हैं देखिए उनको लोग को पता है कि सर आती है और वो लोग आंसर कर रहे हैं क्यों आती है तो उसका उसकी वजह है सभी लोग बता रहे हैं फिरास के कारण क्यों आती है सिक्रीशन ऑफ फिरास फिरास के सिक्रीशन के कारण आती है बहुत अच्छे पंजेंट स्मेल इन कॉकरोच गुड इन डीएनए एप्लीकेशन डीएनए रेप्लीकेशन में द हेलिक्स इज अनबाइंड बाई द एंजाइम कह रहे हैं कि जब डीएनए डीएनएकेशन होता है तो डीएनए का जो हेलिक्स होता है उसको अनबाइंड किया जाता है कौन सा एंजाइम है जो अनबाइंड के लिए यूज किया जाता है बच्चा बच्चा जानता है एंजाइम होता है, जो इसको अनबाइंड करता है जी प्रतिमा जी सौरभ जी वंदना ठाकुर जी कोमल जी ऋचा सक्सेना जी बिंदुसार जी संगीता सिंह जी सुमित्रा कुमारी जी रोली जी निशात अहमद जी डॉक्टर बीरबल साहब अभिषेक गिरी जी सौरभ मौर्य जी अमन अनुराधा जी उषा गुप्ता जी मंजू कुमारी जी त्रिषा अमरीश यादव जी उपासना चौहान जी मोहम्मद शमीम जी जितेंद्र यादव जी, जी नेहा शर्मा जी राजीव कुमार लता नयन जी विनय मैनी जी अनुराधा जी सोनी वर्मा जी विशाल आर एम जी अभिषेक प्रिया शिवानशी संजीव जी दीप शिखा जी राज कुमार रस्तोगी साहब राखी यादव जी शशिकांत जी शिल्पी श्रीवास्तव जी मनोज कुमार जी माही जी सभी लोगों का स्वागत है अभिनंदन है और उम्मीद करते हैं विनीता कुमारी जी विपिन कुमार जी अनुरोध जायसवाल जी कविता एजुकेशन सेंटर जी संगीता सिंह जी डन राजू पाठक जी बीरबल साहनी फादर ऑफ पैलियो बॉटनी चलेगा दौड़ेगा हमें पता है पता है आप कभी अपने आप को आप बायोलॉजी में इस समय अगर आपने सिलेबस को बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लिया है तो बायोलॉजी के सेक्शन में आप काफी स्ट्रांग पोजिशन में है ये इस तरीके से प्रश्न करा करके हम आपके वो सारे डाउट खत्म कर रहे हैं जो किसी कारण बस आपसे गलत हो जाते हम वो गलत नहीं होने देना चाहते इसलिए आपके साथ हर रोज मेहनत करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम आपको एग्जाम की तरह फील नहीं होना चाहिए ऐसा लगे कि आप बायोलॉजी के सेक्शन को इस तरह से उड़ा रहे हैं कि आपको एहसास हो जाना चाहिए कि अगर हमारी रीजनिंग और बेस्ट गई होती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता इसलिए आपसे कहा है हमने आज नहीं दस दिन पहले कहा है आप रीजनिंग सेक्शन को अपने जो है पीडियोगी को इंग्लिश को हिंदी को जीके को इनको भी आप साथ साथ अच्छा करते रहिए जो लोग ई देने जा रहे हैं और जिनका टारगेट है जिनका सपना है हमें टीजीटी ही क्रैक करना है पीजीटी ही क्रैक करना है वो जीएस की तरफ और इन सब चीजों की तरफ बिल्कुल ना भागें वो केवल अपनी बायोलॉजी तैयार करें और बायोलॉजी में बैठें, तो अपनी मेरिट को इतना डन करें इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी में आप जब बैठे चाहे टीजीटी में बैठे चाहे पीजीटी में बैठे आपका एक सपना होना चाहिए उठते बैठते आना चाहिए एक क्वेश्चन 125 में सही करना है 112, 125, 112, 115, 117 करवा करके हमने जो है इन लोगों से क्या करवा दिया अनुकृति सिंह जैसे जैसे लोग जो है क्या कर दिए अनुकृति सिंह लोगों ने 115 क्वेश्चन सही कर दिया बिहार में 112, 15 इनका टारगेट हुआ करता था हमेशा और वही टारगेट इन लोगों ने अचीव कर दिया बिहार के एग्जामिनेशन में अच्छा लगा था सुन करके लेकिन कोई एक स्टूडेंट था जो 117 भी किया था तो ऐसे में अच्छा लगता है जब आप आपके पास से सुनते हैं कि आपने इतना क्वेश्चन सही किया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी रोली जी 115 क्वेश्चन जी लगभग सभी लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था और आपके बीच में से कई लोगों ने तो अभी ओपन ही नहीं किया है ये फाइनल सिलेक्शन के बाद करेंगे उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर कुछ लोग कहते हैं बीपीएससी बीपीएससी नहीं आप केवल BPSC नहीं आप RPSC का एग्जाम देने चले जाइए आप सिक्किम का एग्जाम देने चले जाइए आप चले जाइए मेघालय का एग्जाम देने अगर आप बायोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी होती है और कुछ नहीं होता बायोलॉजी में कुछ चेंज नहीं होता कोई कहे सिलेबस चेंज हो गया सिलेबस में क्या चेंज हुआ इसमें ला दिया इंटरनेशनल क्या इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन आ गया या फिर इस सिलेबस में आ गया इंडिया का इकोनॉमी ऐसा हुआ क्या भाई बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी होता है नथिंग एल्स ठीक इसलिए कभी भी आपको खबर भी मिले ना कि जीएस ये जो है चेंज हो गया जी डन बायोलॉजी का मतलब सिर्फ बायोलॉजी होता है कभी कुछ चेंज नहीं होता तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग मॉक टेस्ट से जुड़े और इमारस के मॉक टेस्ट के बहाने अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क silk ग्लैंड ऑफ सिल्क वॉम लार्वा इज द मोडिफिकेशन ऑफ ये किसका मोडिफिकेशन होता है आप में से आंसर दिख रहा था कि कुछ लोगों ने आंसर किया था लेबियल ग्लैंड का मोडिफिकेशन होता है किसका होता है लेबियल ग्लैंड का मोडिफिकेशन होता है उम्मीद करता हूं लगभग आप में से सभी लोग आंसर कर रहे थे लेबियल ग्लैंड बहुत अच्छे वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आपके स्क्रीन पर बड़ा सा क्वेश्चन देख करके घबराया ना करिए बड़ा सा क्वेश्चन देख करके घबराया ना करिए इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन इज फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड फाइबर बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल जम्प फ्रॉम वन नोड टू एनदर जब जब जो है एक्शन पोटेंशियल एक नोड से दूसरे नोड जम्प करता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं साल्टेटरी इस कंडीशन को बोलते हैं साल्टेटरी तो इसमें ढूंढिए कहीं पर है साल्टेटरी है आंसर हो जाएगा साल्टेटरी कंडक्शन इसका आंसर हो जाएगा साल्टेटरी कंडक्शन बहुत अच्छे वेरी गुड इसका आंसर हो जाएगा साल्टेटरी कंडक्शन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट फाउंड मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता कोलेस्ट्रॉल कार्डियोलिपिन न्यूक्लिक एसिड राइबोसोम आप बताएंगे सर जी न्यूक्लिक एसिड तो पाया जाता है राइबोसोम तो पाया जाता है यह कोलेस्ट्रॉल जो है केवल और केवल यू में पाया जाता है प्रो में नहीं पाया जाता कोलेस्ट्रॉल की शिकायत मनुष्य को है बैक्टीरिया को नहीं है कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रिचा सक्सेना जी धोखा हो गया कोलेस्ट्रॉल इज द राइट right आंसर कोलेस्ट्रॉल की शिकायत मनुष्य को है बैक्टीरिया को नहीं बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कार्डियोलिपिन जी नेक्स्ट इन पिजन रेटिना पोजिस पिजन के रेटिना में होता है इन पिजन रेटिना पोजिस कबूतर के रेटिना में होता है कबूतर को आप जानते हैं ना कबूतर बहुत दूर से दिन में ही देख लेता है कबूतर क्या करता है कबूतर दिन में आई साइट के लिए कबूतर अपनी आई साइट के लिए फेमस है और यह देख लेता है इसमें क्या होते हैं मोर कौन मोर कौन होते हैं मतलब ये दिन में भी देख लेता है कि कौन कौन है मोर कौन होते हैं रॉड से ज्यादा रॉड से ज्यादा इसके पास कौन होते हैं और आउल के पास क्या होता है आउल के पास मोर रॉड होते हैं मतलब ये रात्रि में बहुत देख लेता है मोर रॉड्स होते हैं इसमें मोर रॉड्स होते हैं और जो आपका जो है पिजन है इसमें क्या होता है मोर कोन होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर कौन देन रॉड्स रॉड से ज्यादा कौन होते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई डार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज टेकन फ्रॉम विच ऑफ दर्विन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति प्रतिस्पर्धा की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई थी डार्विन साहब ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिया था इन द ओरिजिन बाई डार्विन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपिटिशन वॉज टेकन फ्रॉम कहा से लिया गया था तो आप सभी का आंसर आएगा ये माल्थस से लिए थे टेकन फ्रॉम माल्थस. टी आर माल्थस. इन्होंने कहां से लिया था टी आर माल्थस से लिया था और उम्मीद करते हैं ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा होगा टी आर मालथस इज राइट आंसर वेरी गुड एक्सीलेंट टी आर मालथस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी एट आर एसोसिएटेड विथ का नाम आता है तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं जैसे लगता है घर का क्वेश्चन आ गया

ओबीसी कैंडिडेट्स के कितने परसेंटेज होनी चाहिए प्लीज बताएं अगर आपने एमएससी एमएससी किया है है और MSC में 50 के है, 50 के के ऊपर ऊपर तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं नो no डाउट जी एक बार ओबीसी कैटेगरी का चेक कर लीजिएगा और आप लोग फॉर्म डालिए सीएसआईआर नेट का आप सभी लोग फॉर्म डालिए जो लोग सीएसआईआर नेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं सी एस आई आर नेट का जो लोग भी एग्जाम देना चाह रहे हैं सी एस आई आर जी आर एफ नेट जो भी आप देना चाह रहे हैं जी सी एस आई आर का एग्जाम जो लोग भी देना चाह रहे हैं एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है फंडामेंटल प्रोसेस आप सभी लोगों ने देखा है फंडामेंटल प्रोसेस पढ़ाया है जी एक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है फंडामेंटल प्रोसेस इस यूनिट को हमने कंप्लीट किया है यूनिट ये आपकी कंप्लीटेड है यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी लोग आसानी से इन्हें कंप्लीट कर लेंगे जी जी एब्जॉपन जी क्लियर जी आप सभी लोग जितने लोग फॉर्म भरना चाह रहे हैं आप फॉर्म भरें आप सभी लोगों को हमने एक यूनिट कराया है कौन सी यूनिट कराया है फंडामेंटल प्रोसेस कराया है जी और इसके बाद एक यूनिट हम आपको और कराएंगे वन यूनिट वन यूनिट और कराएंगे और इसकी क्लास आपकी शुरू होगी 25 नवंबर से 25 नवंबर से इसकी क्लास हम लेंगे और एक यूनिट और कंप्लीट कराएंगे मतलब आप इस बार दो यूनिट पढ़ के जाएंगे उसके बाद जब आप 26 दिसंबर को एग्जाम देके फुर्सत हो जाएंगे तो इसके बाद जैन में जनवरी में आपका ये बैच लॉन्च होगा उस बैच में आपको जून तक के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी तो आपके लिए सी एस आई आर नेट की आपकी काफी डिमांड है तो जैन में बैच लॉन्च होगा लेकिन अभी हम आपको एक यूनिट और पढ़ाएंगे जिससे आप में से कुछ लोग हैं जो दो यूनिट की मदद से और अपने से पढ़ करके काफी कुछ क्लियर कर लेंगे तो आप सभी लोग फॉर्म डालें और अप्लाई करें और सीखें बेहतरीन तरीके से और ये जनरल वाले और ओबीसी वाले इन लोगों के लिए 55 परसेंट और लोग जान रहे हैं बता रहे हैं 55 परसेंट है केवल ये लोग बता रहे हैं एससी के लिए 50 परसेंट है तो आप एक बार अपने से भी क्वेरी करके क्लियर कर लीजिएगा और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा डन जी अरे अब जो है किसी से पूछना नहीं है आप बिहार के दे रहे हैं कि नहीं आजकल जो है आप जानते हैं ना आजकल सब लोगों को जॉब चाहिए ठीक जॉब के लिए कोई किसी का इंतजार नहीं करता आप में से कई सारे लोग हैं ईएमआरएस भी दे रहे हैं आप लोगों में से कई सारे लोग हैं जो झारखंड देकर आए हैं जो एमपी भी दिए हैं जो बिहार भी दे रहे हैं कोई पूछने की बात नहीं है सबको नौकरी की जरूरत है और नौकरी की जरूरत जब तैयारी हो जाती है तो मन करता है कि कहीं का भी एग्जाम हो और हम सिलेक्शन ले लें जी कहीं का एग्जाम हो और हम सिलेक्शन ले लें जी बताने की कोशिश करिएगा उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे डन जी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा एब्जॉर्न ऑफ शॉर्ट फैटी शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड एबजॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज होता है 49 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज होता है कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज होता है टेल मी फास्ट जी बताने की कोशिश करिएगा कौन सा है कौन सा प्रोसेस है जी 49 नंबर क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है क्रेप साइकिल यहां पर है जी ग्लाइकोलाइसिस आप बताएंगे नहीं सर इसमें डायरेक्ट यूज नहीं होता है फर्मेंटेशन इसमें भी डायरेक्ट यूज नहीं होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसमें भी नहीं यूज होता है इसका सही आंसर है क्रेप साइकिल क्रेप साइकिल में और सिट्रिक एसिड साइकिल में जी क्रेप साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जी इसका आंसर डी नहीं है एक बार आप लोग आंसर देखने की कोशिश करिएगा जी क्रेप साइकिल इसका सही आंसर है साइकिल जी इसका सही आंसर है साइकिल एक बार देखने की कोशिश करिएगा गलत नहीं होना चाहिए देखिएगा जी नेक्स्ट इन एटमोस्फियर एसिड रेन इज कॉस्ड ड्यू टू पॉल्यूशन बाई एटमोस्फियर में एसिड रेन होता है किसके पॉल्यूशन के कारण इन एटमोसफियर एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन बाय किसके पॉल्यूशन द्वारा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जी उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा नन ऑफ दीज जी इन एटमोस्फियर एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ किसके पॉल्यूशन से होता है जी जी एसिड रेन जब एसिड रेन की बात आती है तो एसिड रेन में आपको कौन सी गैस याद आती है एसिड रेन में एसिड रेन में कौन सी गैस याद आती है जब एसिड रेन की बारी आती है तो एसिड रेन में कौन सी गैस याद आती है जी राजू पाठक जी एस ओ टू याद आती है एनओ टू याद आती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जी एसिड रेन में हमें एच टू एस ओ फोर मिलता है एच एन ओ थ्री मिलता है जी इस हिसाब से आपके पास ऑप्शन है कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नन ऑफ दिस तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जी सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा बी इज द राइट आंसर जी डन उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर क्या हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीकॉगुलेंट्स इसमें से कौन है जो एंटीकॉगुलेंट्स होता है एंटी मतलब ब्लड को थक्का नहीं जमने देता इसमें से कौन है जो ब्लड का थक्का नहीं जमने देता हिपेरिन है हिरुडिन है हिस्टामिन है या सेरोटोनिन है कौन सा है तो आप बताएंगे एक तो हिपेरिन है ये ब्लड का थक्का नहीं जमने देता एक हिरुडिन है ये ब्लड का थक्का नहीं जमने देता इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है और लगभग सभी लोगों का आंसर करेक्ट है सी इज द राइट आंसर जी अच्छे बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन टू रेट्रोग्रेसिव इज ऑफ मेटामारेक्टरोग्रेसिव मेटामार्फोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है यूरोडेटा का हेमिकॉर का या सिफेलोकॉडेटा का या ऑल ऑफ द सभी का आंसर आ रहा होगा यूरोडेटा इज द राइट आंसर सभी का आंसर आ रहा होगा कॉर्डेटा इज द राइट आंसर रिचा सक्सेना जी हर्डवानिया नहीं है ऑप्शन में इसका सबका आंसर करेक्ट आ रहा है कि क्या हो जाएगा कॉर्डेटा इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 53 थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेज पीएससी का क्वेश्चन अपना जोर दिखाया है जी और आपसे कहता है कि इसको केवल पॉइंट टू परसेंट लोग सही करेंगे इसको केवल पॉइंट परसेंट लोग सही करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेज हैज प्रिफरेंस ओवर अदर बिकॉज इट लैक्स ड्रीडेड फिश बोन्स कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक खाद्य मछली को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें खतरनाक मछली की हड्डियों की कमी होती है मतलब एक कांटे वाली मछली कौन सी होती है मतलब जिसमें कांटों की कमी होती है पॉइंट टू परसेंट में इनकी सबकी गिनती हो चुकी है भाई इन लोगों ने आंसर दिया है टीनो फेरिंग कौन है टीनो फेरिंगोडॉन भाई पॉइंट टू परसेंट में तो काफी लोग हैं इसका मतलब सिलेक्शन में आप ही लोग हैं जो मेरिट को कहां पहुंचाएंगे देख लीजिए सभी लोगों का काफी आंसर करेक्ट चल रहा है यहां तक लोग ये भी बता रहे हैं कि जो है सीटेट सीटेट वाला लगाया. Okay. वाला माइंड माइंड लगाया लगाया ओके कि जो बड़ा ऑप्शन है वही सही होगा बहुत अच्छे वेरी गुड एक्सीलेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच आर्गन ऑफ द बॉडी बॉडी के किस आर्गन में यूरिया का फॉर्मेशन होता है यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी किस आर्गन में ये होता है तो सभी का आंसर आ रहा होगा लीवर इज द राइट आंसर सभी का आंसर आ रहा होगा लीवर इज द राइट आंसर जी क्या हो जाएगा लीवर इज द राइट आंसर डन टू ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर इन ड्रोसोफिला द पैटर्न इज स्टैब्लिश ड्रोसोफिला में पैटर्न स्थापित होता है ड्रोसोफिला में पैटर्न कब स्थापित होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ द एज अ रिजल्ट ऑफ इनवायरमेंटल इंटरक्शन विद ड्यूरिंग गैस्ट्रूलेशन आफ्टर होता है इसमें पैटर्न कब स्टैब्लिश होता है ड्रोसोफिला में तो आप बताएंगे ड्रोसोफिला में पैटर्न तब स्टैब्लिश होता है जब इसका उ साइड जो होता है वो इनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है जब ये इनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तब ये उत्पन्न होता है तो आपका आंसर आएगा पैटर्न कब आता है नया क्वेश्चन है और नया ऑप्शन है दोनों संभाल कर रखना है ये सब आपको रेडी किया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए जितने लोग बिहार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जितने लोग ई एम आर एस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं संपूर्ण समाधान सीरीज के जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं जितने कराए हैं ये तेरा नंबर है तेरह में 120 तेरा तेरा एक सौ बीस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तेरह दूनी छब्बीस तेरह इक्नम तेरह दो पंद्रह लगभग पंद्रह सो साठ क्वेश्चन है खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कोई लापरवाही नहीं कि वहां जाने के बाद एग्जाम देने के बाद फिर देखें तो पता चले कि अरे क्वेश्चन तो यहीं से आया था वन जीन वन एंजाइम वन जीन वन एंजाइम सुनते ही देखते ही लगता है जो ही कोई बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया है जी वन जीन वन एंजाइम विनय मैनी जी ने आंसर किया है लिख करके कि सर जी बीडल और टेटम होगा इसका सही आंसर हो जाएगा बीडल एंड टेटम नेक्स्ट क्वेश्चन यूएसटीएन ट्यूब कनेक्ट्स अच्छा क्वेश्चन है यूएसटीएन ट्यूब किसको कनेक्ट करती है यूएसटीएन ट्यूब कनेक्ट्स यूएसटीएन ट्यूब किसको कनेक्ट करती है फयरिंग्स विथ मिडिल ईयर मिडिल ईयर विद एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर विथ इंटरनल ईयर नन ऑफ दिस यूएसटीएन ट्यूब जो होती है ये कनेक्ट करती है फयरिंग्स को मिडिल लेयर्स मिडिल ईयरस मिडिल ईयर को फायरिंग से कनेक्ट करने वाली कौन है यह यूएसियन ट्यूब है यूएसियन ट्यूब किसको कनेक्ट करती है मिडिल ईयर को फायरिंग से कनेक्ट करती है जी किसे कनेक्ट करती है फायरिंग से कनेक्ट करती है याद रखिएगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फायरिंग्स विथ मिडिल ईयर फायरिंग्स को यह कनेक्ट करती है किससे तो आप बताएंगे सर ये फायरिंग्स को कनेक्ट करती है मिडिल ईयर से इंपॉर्टेंट है फॉरगेटेड भूलने की जरूरत नहीं है अगर आप भूलने की कोशिश किए तो खैरियत नहीं है आपकी जी तो इसका क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे इसका सही आंसर हो जाएगा फायरिंग विथ मिडिल ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोमोलिक्यूल्स इंटर द प्लाज्मा मेंब्रेन ऑफ सेल कह रहे हैं कि बड़े माइक्रो मोलिक्यूल्स जो है जब ये प्लाज्मा मेंब्रेन के सेल से जब प्लाज्मा मेंब्रेन के प्लाज्मा मेंब्रेन से क्या करते हैं इंटर करते हैं तो इसे क्या कहते हैं नॉर्मल जब इंटर करता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं नॉर्मल है, तो है. है, तो है. सही आंसर है फैसिलिटेड डिफ्यूजन और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है फैसिलिटेट डिफ्यूजन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा कैन बी क्विकली जनरेटेड विथ रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमार्फिक डीएनए आर ए पी डी देन द आर एफ एल पी क्विकली जनरेटेड डेटा तेजी से जनरेट किए जाते हैं विद रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमार्फिक डीएनए आर ए पी डी देन आर एफ एल पी क्यू मॉलिकुलर मार्कर्स ऑफ आर ए पी डी आर एफिशियंट The above. तो आप बताएंगे कि RAPD में क्या होता है केवल कुछ involved होते हैं. R... RAPD में क्या होता है आर ए पी डी में केवल कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जबकि आर एफ एल पी में ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं अब इसमें कम स्टेप होते हैं इसलिए यह क्या होता है फास्टर होता है आर एफ एल पी की तुलना में उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर इसमें स्टेप इस ज्यादा होते हैं इसमें स्टेप इस कम होते हैं फीवर स्टेप होते हैं जी इसमें क्या होता है फीवर स्टेप्स पाए कैविटी इसमें से क्या चीज है जो बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होती ग्लूकोज प्रोटीन फैटी एसिड ऑल ऑफ दिस क्या डाइजेस्ट नहीं होता जी क्या डाइजेस्ट नहीं होता जी अरे भाई ग्लूकोज कह रहा है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होता ग्लूकोज कह रहे हैं कि विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी तो ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होता प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होती और फैटी एसिड डाइजेस्ट नहीं होता हमने बताया है कि एक लिंगुअल लाइपेज एंजाइम पाया जाता है लिंगुअल लाइपेज एंजाइम पाया जाता है ये फैट को क्या करता है डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में ये इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करता है जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं इसे लाइपेज लिंगुअल लाइपेज के नाम से जानते हैं तो ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं करता प्रोटीन का भी नहीं करता है फैटी एसिड का भी नहीं करता है इसका आंसर होगा ऑफ दिस कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ये किसका नहीं करता है ग्लूकोज का करता है भैया ग्लूकोज का कब से करने लगा ग्लूकोज डाइजेस्ट डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है हां इसमें कोई डाइजेस्ट नहीं होगा चलिए अच्छी बात है नेक्स्ट आप में से जितने लोगों ने पीजीटी टीजीटी एलटी जीआईसी बायोलॉजी में टारगेट 24 बैच में आज एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया है वो सभी लोग ध्यान रखें कल मंडे है कल सुबह साढ़े दस बजे कल मंडे है सुबह साढ़े दस बजे आपके क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक शुरू किया जा रहा है आप सभी लोग एक नई स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी लेकर के कल तैयार रहेंगे साढ़े दस बजे और इवनिंग में साढ़े छह बजे एनिमल फिजियोलॉजी चल रहा है और एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेशन पढ़ा रहे हैं इसकी लगभग तीन से चार क्लासेस हो गई हैं आप सभी लोग आज कल में इसको पूरा कर लीजिएगा जिससे कल आप सभी लोग लाइव क्लास में साथ रहें तो जो नए लोग आज एडमिशन लिए हैं वो अपना शेड्यूल जानते रहें और जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं एडमिशन लेना चाहते हैं एट सेवन फाइव सिक्स सेवन जीरो थ्री फाइव डबल एट पर ज्वाइन बायोलॉजी लिखकर भेजें और अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें। और रीजन का एक प्रेग्नेंट वुमेन इन, इन यूटरस मसल्स मसल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेग्नेंट वुमेन में यूटेरस की मसल्स जो होती हैं वो लार्ज हो जाती हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हारमोन हारमोन के इफेक्ट के कारण बिल्कुल सही है हारमोन के इफेक्ट के कारण यह क्या होती है इफ द मे हार्ड देन ग्रेजुअली देर फाइबर्स बिकम थिक एंड अगर यह कठिन मतलब इनका वर्क हार्ड होता है तो इनका फाइबर्स क्या होता है थी होता जाता है विच इज नोन एज हाइपर ट्रॉफी ऑफ मसल जिसे हाइपर ट्रॉफी ऑफ मसल्स कहते हैं यह भी सही है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ये दोनों ऑप्शन सही हैं आप बताएंगे बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं तो आप सभी लोग इतनी बात जानते रहेंगे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग कल्चर आप सिल्क जब कल्चर करते हैं हाउ मेनी टाइम्स मोल्टिंग टेक्स प्लेस तो कितनी बार मोल्टिंग होती है रेशम कीट पालन के दौरान कितनी बार मोल्टिंग होती है तो इसको याद रखना है फोर टाइम कितनी बार होती है फोर टाइम होती है और उम्मीद करता हूं सभी लोगों को याद रहना चाहिए कितनी बार होती है फोर टाइम होती है एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैटरपिलर जो होता है कैटरपिलर ऐसे पूछा गया था कैटरपिलर करता है तो जब कैटरपिलर का नाम लेके पूछेगा तो ऑप्शन में आप फाइव टाइम्स लिखिएगा जब कैटरपिलर पूछेगा तो फाइव टाइम्स लिखिएगा ये यहीं पर अपना अपना यहीं पर कहते हैं कि अपने सेंस को तेज कर लीजिएगा जब क्वेश्चन दोनों पूछा गया एक बार ये पूछा गया एक बार वो भी पूछा गया तो जब कैटरपिलर का नाम लिखा रहे तो आप मोल्टिंग में फाइव बार टिक करेंगे और जब कैटरपिलर नहीं लिखा रहेगा ये क्वेश्चन रहेगा ड्यूरिंग कल्चर ऑफ सिल्क ड्यूरिंग कल्चर ऑफ सिल्क हाउ मेनी टाइप्स मोल्टिंग टेक्स प्लेस तो फोर टाइम्स टेक यहीं पर इसको क्लियर करके रखिएगा नहीं तो याद किए रहिए कि आमिर सर फोर टाइम बताए थे सुधर जाइएगा हम आपका कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ते कभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक जैसे ही पूछे आपसे निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल बताइए मुझे फट से याद आता है टी आर एच टी आर एच ए सी टी एच ये दोनों निगेटिव फीडबैक देते हैं निगेटिव फीडबैक देने वाले हार्मोन कौन है तो आप बताएंगे सिक्रिशन ऑफ टी आर एच इन रिस्पॉन्स टू ए सी टी एच ए सी टी एच के रिस्पॉन्स में नाम याद रखना है निगेटिव फीडबैक ये सब ऐसे मतलब रट्टू की तरह याद रहना चाहिए रट्टाफिकेशन रहना चाहिए जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर बोन्स फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। अच्छा क्वेश्चन है यह भी याद होना चाहिए ये कैसा क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्रॉसिंग ओवर कब होती है क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है जी डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका मॉडल है ऐसे क्वेश्चन है ये बोन्स फॉर्मड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ अ टेंडन बोन जो है जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है उसे बोलते हैं सिस्मोइड बोन क्या बोलते हैं सिस्मोइड बोन जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है उसे बोलते हैं सिस्मोइड बोन और आप लोगों को याद भी है सच में बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन 65 फंक्शन ऑफ निकटेटिंग मेमरेनिंग मेम्रेन का नाम सुन लिया तो समझ गया पानी में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं उन पर निकटेटिंग मेम्रेन होती है यहाँ पर लिखा भी है प्रोटेक्शन एंड मॉइस्टरिंग ऑफ द आई ये आई का प्रोटेक्शन करता है और मॉइस्चरिंग करता है क्या करता है प्रोटेक्शन करता है और मॉइस्चरिंग करता है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चरिंग ऑफ द आई नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्लास बाई वॉल्विया इज आल्सो कॉल्ड क्लास बाई वॉल्विया को और किस नाम से जानते हैं आप कहेंगे सर जी ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है क्लास बाई को पेलिसीपोडा के नाम से जानते हैं किसके नाम से डा के नाम से जानते हैं और उम्मीद करते हैं सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है इस राइट आंसर वॉल्विया को और किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे आल्सो अरे अरे अरे, अरे खुशबू ओमर जी लैमिली ब्रांचिया नाम आते ही हमें याद आया यूनियो अच्छा ठीक हाँ यूनियो बाईविया यूनियो लैमली ब्रांचिया पेलिसीपोडा डन सिक्सटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ द हेट्रोनेरिस फेज ऑफ नियंथस हेट्रोनेरिस फेज ऑफ नियंथस का करैक्टेरिस्टिक कौन है जी हेट्रोनेरिस फेज ऑफ नियंथस निम्नलिखित में से कौन सा है नियंथस के हेट्रोनेरिस चरण की विशेषता है आप बताएंगे सर एपिटोकी इसकी विशेषता है हेट्रोनेरिस की एपिटोकी एटोकी एपिटोकी नेरिस में दोनों देखने को मिलता है लेकिन विशेषता हेट्रोनेरिस की क्या है हेट्रोनेरिस की विशेषता है एपीटोकी मतलब कौन है जो टोकेगा एपीटोकी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा एपीटोकी इज द राइट आंसर और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा एपीटोकी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम आते ही ऑप्शन पे पहुंच गए आप लोग हमको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप कहां से डेवलप होता है न्यूरोलोशन न्यूरोलोशन ये सब लोग जानते हैं न्यूरोलोशन न्यूरोलेशन से डेवलप होता है न्यूरोलेशन जी सभी लोग कुछ क्वेश्चन होते हैं देखते ही आप लोग उसका आंसर टिक कर देते ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं फंसा सकता आंसर करें सभी लोग और बेहतरीन तरीके से नो no डाउट जी प्रिंस गौतम जी बताइएगा जी अनुराधा जी खुशबू उमर जी सोनम राजपूत जी सारे लोगों का आंसर जो है आ रहा है डी मनोज कुमार का आंसर सी कैसे आ रहा है ज्यादातर लोगों के आंसर डी है मनोज जी के सी कैसे आ रहे हैं भैया सबसे अच्छा आपको कौन सा आता है डार्विन साहब आते हैं डार्विन साहब की जब बात होती है तो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं डार्विन साहब इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया था नो डाउट लैमार्क साहब इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया था नो डाउट ह्यूगो डिब्रीज ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन दिया था बच्चा बच्चा जानता है ओपेरिन ओरिजिन ऑफ लाइफ ए का फोर बी का वन सी का टू डी का थ्री आंसर विल बी डी मनोज कुमार ने कोई और आंसर दिया होगा जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आपकी स्क्रीन पर हाउ मेनी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स अब आप समझ गए किसकी बात हो रही है हाउ मेनी कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यूज बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट आप बताएंगे मेंडल साहब ने कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा सेवन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमाटा डिजीज रिजल्ट फ्रॉम मिनिमाटा डिजीज किसका रिजल्ट है मिनिमाटा डिजीज रिजल्ट फ्रॉम ये किसका रिजल्ट बनती है एकोमलेशन ऑफ आर्सेनिक इन एटमोस्फियर रिलीज ऑफ ह्यूमन वेस्ट इनटू ड्रिंकिंग वाटर रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मरकरी इंटू वाटर मिल गया जी मिनिमाटा देखता है कि मरकरी याद आता है फॉलोइंग विच सेल ऑर्गे एक्सिबिट पॉलीमार्फिज इसमें से कौन सी सेल ऑर्गेनि है जो पॉलीमार्फिजम शो करती है टेल मी फास्ट कौन सी शो करती है इसमें से कौन सी है जो पॉलीमार्फिजम शो करती है बताइएगा इसमें से कौन है जो पॉलीमार्फिजम शो करता है जी शिवानशी जी बहुत अच्छी लिख के बताया है शिवांशी जी ने सर लाइसोसोम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लाइसोसोम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री आपकी स्क्रीन पर बार बॉडीज आर इन बार बॉडीज किसमें एबसेंट होती हैं क्लाइन फिल्टर में जो लाइन में लगते हैं उसमें या जो टर्नर होते हैं उसमें या ह्यूमन फीमेल में या बोथ ए एंड बी में तो इसका सही आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडी एबसेंट होती है बार बॉडी इज एबसेंट इन टर्नर सिंड्रोम और उम्मीद करता हूं सभी लोगों का क्वेश्चन याद होगा उषा जी हम समझ रहे हैं कि कहीं दूर का आंसर आप लोग दे रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 74 आपकी स्क्रीन पर द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फिनमिना काफी अच्छा क्वेश्चन है जी और एनालिटिकल है दिमाग लगा के बताइएगा द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फिनोमिना जब आपकी सेल वाटर को ड्रिंक करती है उसको क्या कहते हैं जब आपकी सेल फूड को अंदर लेती है उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और जब पानी को अंदर लेती है उसे बोलते हैं पानी साइटोसिस पानी साइटोसिस कहीं लिखा है हां लिखा है पानी पिनो पिनोसाइटोसिस पानी पिनो पिनोसाइटोसिस को बताता है अबाउट पिनोसाइटोसिस और जब यह खाना लेती है तो उसके बाद फूड लेती है तो फेगोसाइटोसिस स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथिक नर्व ऑफ हार्ट एक्सीट द हार्ट बीट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहे हैं कि किसके कारण हार्ट बीट बढ़ जाती है रिलीज ऑफ एसिटलकोलिन इनिबिशन ऑफ एसिटल कोलिन रिलीज ऑफ नॉर एडलिन या इनहिबिशन ऑफ डोपामाइन मी फास्ट किसके कारण ऐसा होता है बच्चा बच्चा जानता है रिलीज ऑफ एड्रीनलिन और नॉर के कारण हार्ट बीट बढ़ जाती है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीन दोनों कौन है दोनों कजिन हैं। दोनों कौन है दोनों कजिन हैं। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनिन दोनों कौन है दोनों कजिन हैं। है? याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट गेन ऑफ एटीपी काफी अच्छा क्वेश्चन है वट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इंटू टू ऑफ मॉलिक एसिड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस विद इन अल जब एक कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का एक अणु पायरविक एसिड में दो अणुओं में टूट जाता है तो नेट एटीपी कितना बनता है आपको बताया था नेट एटीपी बनता है दो कितने दो नेट एटीपी का फॉर्मेशन होता है और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है टू नेट एटीपी का फॉर्मेशन होता है कितने टू नेट एटीपी का फॉर्मेशन होता है समीना जी बहुत अच्छी शिल्पी जी किरण जी नेहा शर्मा जी सुरेश गौर जी सुरेश गौर जी बहुत दिन बाद दिखे हैं कहां चले गए थे जी टू एटीपी टीपी ग्लाइकोलाइसिस डन जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन आपकी स्क्रीन पर सी वैल्यू पैराडॉक्स ये नया क्वेश्चन है पीएससी का है तो नया क्वेश्चन सी वैल्यू पैराडॉक्स बताइए सी वैल्यू पैराडॉक्स रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंडीशन सी वैल्यू पैराडॉक्स कौन सी कंडीशन बताता है आप बताइएगा मोर डीएनए देन नीडेड फॉर कोडिंग जब कोडिंग से ज्यादा डीएनए आपके पास हो डीएनए क्या हो डीएनए मोर मोर डीएनए मोर डीएनए देन नीडेड फॉर कोडिंग जब आवश्यकता से ज्यादा डीएनए हो दैट इज कॉल्ड इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा एक कोने कॉपी के एक कोने नोट कर लीजिएगा जी सी वैल्यू क्या बताता है सी वैल्यू पैराडॉक्स इसी को बताता है मोर देन जब डीएनए के ज्यादा मात्रा बताई जाए कोडिंग से ज्यादा तो उसे बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स सेवेंटी एट वेरी इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इन कंप्लीट पिच ऑफ जेड डीएनए जेड डीएनए में कितने होते हैं जी जेड डीएनए में कितने होते हैं बी डीएनए की बात करते हैं तो बी डीएनए में कितने होते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये बी डीएनए में होते हैं जेड डीएनए में कितने होते हैं दो ज्यादा होते हैं बारह कितने होते हैं बारह होते हैं दो ज्यादा होते हैं बारह होते हैं कुमारी खुशबू जी कोई बात नहीं है पीछे चलती रहिए और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करती रहिए नो मैटर चिक एम्ब्रियो कई बार यह क्वेश्चन टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है इन चिक फोर आर चार जोड़ी बनते हैं 24 घंटे में कितने घंटे में 24 घंटे में याद रहना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पिन पॉइंट सीजन टू की क्लास में हमने किया है ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ इनक्यूबेशन ट्वेंटी फोर आवर्स में बनते हैं चार सोमाइट हाइब्रिडोमा यह भी क्वेश्चन आपको कराया है काफी टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन भी है हाइब्रिडोमा इज सेल बाय द फ्यूजन ऑफ किसके फ्यूजन से बनता है आप बताएंगे सर जी यह बनता है एक तो माइलोमा सेल के दूसरा माइक्रोफेज सेल के किसके फ्यूजन से माइलोमा सेल के और माइक्रोफेज नहीं माइ माइलोमा सेल के और प्लाज्मा सेल के प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल ये दोनों फ्यूज करती हैं तो क्या बनता है तो बनता है हाइब्रिडोमा माइक्रोफेजेस नहीं है दोस्तों प्लाज्मा सेल है जी हाँ जी प्लाज्मा सेल है और कौन है और जो है आपका बताएंगे मायो माइलोमा मायोलोमा और प्लाज्मा सेल ये पढ़ाया भी है इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से है जी आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं सियोर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो सीओर टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें बिल्कुल सोचे ना सोचने की कोई जरूरत नहीं है जो मैटर आपके पास रहेगा अगर आप सीओर टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो आप आप हर रोज 125 प्रश्न सॉल्व करना शुरू कर देंगे क्योंकि जब आप पेमेंट करेंगे बैस से जुड़ेंगे बैस से जुड़ेंगे तो एक टेंशन होगी कि यह काम करना है

सभी ने कमेंट किया आपके सामने कि सीरीज से क्वेश्चन काफी मैच कर रहे हैं तो आप अभी भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो इट इज योर मिस्टेक नॉट माइन इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं म्यूटेशन को निम्नलिखित के माध्यम से कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन प्रेरित करना संभव है सर्टेन केमिकल्स के द्वारा रेडिएशन के द्वारा केमिकल और रेडिएशन दोनों के द्वारा आप सभी का आंसर आ रहा है कि केमिकल और रेडिएशन दोनों के द्वारा जी आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं म्यूटेशन को इंड्यूस किया जा सकता है स्क्रीन पर विच एनेबल्ड आर्थ्रोपोड मोस्ट टू सरवाइव ऑन लैंड इसमें से कौन है जिसने आर्थ्रोपोड को लैंड पर सर्वाइव करने के लिए उसे अधिक सक्षम बनाता है अधिक जाद, मतलब ज्यादा सक्षम बनाता है सर्वाइव करने के लिए लैंड पर हमको क्या नजर आ रही है सिर्फ एल ए एन डी लैंड पर तो आप बताएंगे सर उसमें काइटिनस क्यूटिकल होती है इसी के कारण वो लैंड पर सरवाइव कर गए थे काइटिनस क्यूटिकल होती है इसी के कारण लैंड पर सरवाइव कर गए थे अगर आप में से कोई दिमाग लगाता और ज्वाइंटेड लिख करता तो गड़बड़ हो जाता अच्छा हुआ आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार के नाइट्रोजिनस बेसिस पाए जाते हैं फोर थ्री टू फाइव कितने पाए जाते हैं जी कितने पाए जाते हैं देखिए सुरेश गौर जी ने बता दिया है सर जी फोर पाए जाते हैं निषाद अहमद जी ने बता दिया है फोर पाए जाते हैं और लगभग सभी लोग बता रहे हैं कि फोर पाए जाते हैं लेकिन ऋचा सक्सेना जी हैं अनुराधा जी हैं आर के रिट्स जी हैं खुशबू उमर जी हैं और जो है प्रतिमा जी हैं विनय मैनी जी भी हैं कुछ लोग हैं जो पांच बता रहे हैं जो लोग पांच बता रहे हैं सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं अब जो लोग चार बता रहे हैं वो लोग होश होश की दवा खा ले जो लोग चार बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एडिनिन होता है थाइमिन होता है गुआनिन होता है साइटोसिन होता है ये बेचारे भूल गए क्या भूल गए ये भूल गए कि यूरासिल भी होता है अगर इनको याद होता कि यूरासिल भी होता है तो ये क्या आंसर टिक कर फाइव और धोखे से ये जो गलती अगर एग्जामिनेशन हाल में होती तो ये लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते ना ये लोग अपने आप को कभी माफ ना कर पाते जो चार बता रहे थे चलिए कोई बात नहीं अब अब ये लोग चौकन्ने हो गए हैं अब गलत नहीं करेंगे लॉन्ग नेक ऑफ कैमल कैमल इज ड्यू टू की लंबी गर्दन होने का क्या कारण है डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा बोनी प्लेट्स एक्स्ट्रा बोनी प्लेट्स डेवलप हो जाती है नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ नेक वर्टिब्री नेक वर्टिब्री ज्यादा हो जाती है नो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ नेक वर्टिब्री इनकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ नेक नेकवर्टिब्री इनके नेक मतलब इनकी लेंथ बढ़ जाती है ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीटोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए जाना जाता है आपका प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जाना जाता है इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के निकलने के लिए और इसी इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेबी बर्थ हार्मोन कहते हैं ये बेबी बर्थ हार्मोन के नाम से फेमस है और इसकी एक अच्छी बात है कि ये बनता है कहां बनता है हाइपोथैलमस में और सिक्रिट होता है आकर के कहा Pituitry से ये भी आपको याद रखना है यह यहां से भी क्वेश्चन बनता है जहां से पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद आपकी पिट्यूटरी से आप लोगों में से जो लोग क्लास में लेट से जुड़े हैं अपनी अटेंडेंस अभी तक नहीं लगाए हैं वो सभी लोग यथाशीघ्र अपनी अटेंडेंस लगाए और आप लोग एक दो घूट पानी पी लीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पानी पी लीजिए और जो लोग अटेंडेंस नहीं लगाए वो लोग अटेंडेंस लगा लें फास्ट डोंट लेट विच आर द फॉलोइंग हैज ब्लड ग्लैंड इसमें से कौन है जिसमें ब्लड ग्लैंड पाई जाती है इसमें से कौन है जिसमें ब्लड ग्लैंड पाई जाती है जी बताने की कोशिश करिएगा ओके, okay, ओके, okay, बहुत अच्छे किसमें किसमें ब्लड ग्लैंड पाई जाती है सभी का आंसर आ रहा है ब्लड ग्लैंड इज फाउंड इन केचुआ किसमें पाया जाता है केचुआ में पाया जाता है ब्लड ग्लैंड जो है वो केचुआ में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पेप्टाइड लिंकेज ऑफ प्रोटीन एंड ब्रेक्स देम इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूलिप्टेप्टिंके और यह क्या करता है, smaller molecule में करता है. आप बताएंगे, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है All digestive enzymes belong to class. सभी डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेस क्लास को बिलोंग करते हैं आप बताएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं वो हाइड्रोलेस क्लास को बिलोंग करते हैं दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेस एंजाइम को बिलोंग करते हैं दोनों सही हैं लेकिन दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर है एटी सेवन का जी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजुअली

एलिफेंटियासिस डिजीज का वेक्टर कौन है जी समझ बूझ करके आंसर करिएगा हाथी पांव रोग का रोगवाहक कौन है क्यूलेक्स है फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है या नन ऑफ कौन सा है आप सभी का आंसर आएगा इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है कौन है इनफेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो सी इज द राइट आंसर और उम्मीद करते हैं लगभग आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा सी इज द राइट आंसर द टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अ हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन है जिसमें टीथ जो होता है वो हॉर्नी बीक में कन्वर्ट हो जाता है रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक द टीथ आर रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक इसमें से कौन है जिसमें टीथ जो है जी जिसमें टीथ जो है वो कन्वर्ट रिप्लेस हो जाता है जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर और सभी लोगों का करेक्ट आंसर भी आ रहा है इसमें से कौन है इसमें से कौन है ललिता सिंधे जी सोनी वर्मा जी मनोज कुमार जी खुशबू उमर जी ये लोग रिंको का कब पढ़ लिए थे भाई रिंको सिफेलिया स्फिनोडॉन टार इसमें कब पढ़ लिया था कि हॉर्नी बीक में टीट कन्वर्ट हो जाता है इसका सही आंसर है चिलोनिया इज द राइट आंसर <coughs> रिंको सिफैलिया रिंको सिफेलिया नहीं चिलोनिया इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइंटी वन द एक्सक्रिटरी ऑर्गन ऑफ एम्फियसस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप एम्फक्स का एक्सक्रिटरी ऑर्गन होता है सोलेनोसाइड होता है सभी लोग जानते हैं सोलेनोसाइड्स होता है एंड रिजेंबल्स दोन एनीलिड्स और ये किससे रिजेंबल करता है एनिलीडा से रिजेंबल करता है सोलेनोसाइड्स तो होता है लेकिन रिजेंबल किससे करता है तो आप बताएंगे एनिलीड से ये रिजेंबल किससे करता है एनिलीड से रिजेंबल करता है इसका सही आंसर हो जाएगा रिजेंबल्स टू एनिलीड्स सोलेनोसाइड्स तो होता है लेकिन रिजेंबल किससे करता है एनिलीड से ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर नाइनटी इन अ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस फ पेरेंटल टाइप एक्सीड द रिकॉम्बिनेशन टाइप अगर पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेशन टाइप को एक्सीड करता है एमंग द रिजल्ट प्रोजेनिक इट इज ड्यू टू यह क्वेश्चन आपसे है बिल्कुल नया क्वेश्चन अलग से है समझ के करिएगा इन डाई हाइब्रिड टेस्टॉस इफ पेरेंटल टाइप्स एक्सीड द रिकॉमेशन टाइप्स एमंग द रिजल्टेंट प्रोजेनिक इट इज़ ड्यू टू ये किसके कारण हो सकता है ये लिंकेज के कारण हो सकता है एक डाई हाइब्रिड परीक्षण क्रॉस में यदि माता पिता के प्रकार परिणामी संतानों के बीच पुनर्संयोजन प्रकारों से अधिक हो जाते हैं मतलब जब इसमें आपस में फिर से क्रॉसिंग हो जाती है ये लिंकेज के कारण होता है किसके कारण होता है लिंकेज इज द राइट आंसर इट अकर्स ड्यू टू लिंकेज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली इन अ सेल सेल में स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली कौन सी होती है ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली कौन सी होती है राइबोसोम right इज द राइट आंसर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली कौन सी होती है उम्मीद करता हूं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आएगा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होती है आपकी राइबोसोम जी डन टू ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो इसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज उसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज उसका एंड प्रोडक्ट होता है फ्रक्टोज़, उसका एंड प्रोडक्ट होता है गैलेक्टोज सुक्रोज नहीं होता लैक्टोज़ नहीं होता डाइसेक्राइट, पॉलीसेक्राइट, जी तो इसका क्या होता है लैक्टोज़ नहीं होता है माल्टोज नहीं होता है. क्या होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज़, गैलेक्टोज ए इज द राइट आंसर और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा ए इज द राइट आंसर याद कर लेना जानते रहना ग्लूकोज है फ्रक्टोज़ है मोनोसेक्राइट है जी मोनोसेक्राइड ये मोस्ट ऑफ सिलोमिक स्पेस इन इनिया इज़ फिल्ड विथ ये क्वेश्चन तो जैसे लगता है कि आपका रट्टाफिकेशन पे है एक सिंगल स्टूडेंट का भी गलत नहीं हो सकता यह जी यह किसी का भी गलत नहीं हो सकता आई होप सो बताने की कोशिश करिएगा और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है बोट्राइडल टिश्यू सभी लोग आंसर कर रहे हैं सर जी ये बोट्राइडल टिश्यू हो इतना अच्छे से याद किए कि ना पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डेंगू फीवर एलिफेंटियासिस काला आजार स्लीपिंग सिकनेस डेंगू फीवर की बात की जाए तो डेंगू फीवर किससे होता है आजकल बहुत फैल रहा है बच के रखिएगा क्यूलेक्स से एलिफेंटियासिस किससे हो रही है जी एडीज एलिफेंटियासिस किससे हो रही सॉरी डेंगू फीवर किससे हो रहा है एडीज एलिफेंटियासिस किससे हो रहा है क्यूलेक्स काला आजार किससे हो रहा है फ्लेबोटोमस स्लीपिंग सिकनेस किससे हो रहा है ग्लोसिना का टू बी का फोर ए का टू बी का फोर सी का वन डी का थ्री बी इज द राइट आंसर कितने लोगों का करेक्ट आंसर बी आ रहा है टेल मी कितने लोगों का करेक्ट आंसर बी आ रहा है उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का आ रहा है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एनजाइम वॉज पहला रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम था फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम वॉज पहला रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम था सभी को याद है कौन सा था जी हिंड टू जी लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है हिंड टू कौन सा था हिंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटी एट ऑफ द फॉलोइंग विच सेट ऑफ इंसेक्ट इन यूजफुल टू मैन फॉलोइंग इसमें से कौन है जो एक सेट बनाता है इंसेक्ट का जो मैन के लिए यूजफुल है हनी बी है लोकस्ट है लैक है आप कहेंगे लोकस्ट है नहीं आएगा सर सिल्क मोथ है हनी बी है ड्रैगन फ्लाई है लोकस्ट है नहीं आएगा सर जी लैक इंसेक्ट है सिल्क मोथ है हनी बी है कोल्ची सिन मोथ है आप बताएंगे आएगा सर इसका सही आंसर हो जाएगा सी आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच केस ऑफ द फॉलोविंग प्लसेंटल निम्नलिखित डीटलिकल प्रकारों के मामले में मात्र रक्त स्नान भ्रूण कोरियोनिक उपकला कौन सी है इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग प्लसेंटल टाइप डज द द मैटरनल ब्लड बाथ डीटल कोरियोनिक एपिथिलियम किसमें होता है ब्लड बाथ जब ब्लड बाथ की बात आ रही है तो उम्मीद करते हैं सभी को आ रहा होगा हीमोकोरियल प्लसेंटा है सर जी जिसमें क्या होता है ब्लड बाथ हीमोकोरियल और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है हीमोकोरियल इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड आपकी स्क्रीन पर पैराथार्मोन इंड्यूसिस पैराथार्मोन क्या करता है पैराथार्मोन का नाम आते ही क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आपको याद आता है कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है पैराथार्मोन क्या करता है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल महा गलत डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल महा गलत इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल बिल्कुल सही डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल महागलत कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे आसानी से उड़ा सकते हैं आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा सी इज द राइट आंसर In which stage myosis, takes place? कौन सी stage है की जी मियोसिस की कौन सी स्टेज है जिसमें होती है myosis की कौन सी अवस्था है जिसमें साइनोपसिस देखी जाती है लेप्टोटीन पैकिटीन जाइगोटीन मेटाफेज वन सभी का आंसर आ रहा होगा किसमें देखी जाती है जी साइनापसिस साइनाप्सिस देखी जाती है फॉलोविंग इज प्रजेंट समाइड्स में कौन पाया जाता है जब हाइड्रोफाइट की बात आती है तो उसमें एयर स्पेस पाए जाते हैं क्या पाए जाते, है? जाते हैं एयर स्पेस पाए जाते हैं जब सबम हाँ, जब सबमज हाइड्रोफाइट्स की बात आती है दोस्तों तो क्या प्रेजेंट होता है एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज इस इसमें से कौन है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है ट्रीमेटोडा में नीमेटोडा में, सिस्टोडा में या ऑल ऑफ तो बताएंगे टोटल इंडो कौन होता है सिस्टोडा इसी में एबसेंट होती जी किसमें एबसेंट होता है तो आप सभी लोगों का आंसर आएगा सर सिस्टोडा में होता है जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर आपकी स्क्रीन पर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं डीएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन ओनली डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन ओनली डीएनए आरएनए और प्रोटीन किसके बने होते हैं तो डीएनए आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम किसके बने होते हैं डीएनए आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं किसके बने होते हैं डीएनए आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिपैटिक पोर्टल वेन कहां से हिपैटिक पोर्टल वेन रक्त को प्रवाहित करती है फ्रॉम कहां से तो आप बताएंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से जी आई टी हिपैटिक पोर्टल वेन कहां से ब्लड को लेती है तो आप बताएंगे जी आई टी से लेती है बहुत अच्छे वंदना ठाकुर जी डन वन जीरो सिक्स इन स्पंजेस प्रोजोपाइल इज जब प्रोजोपाइल का नाम आता है तो आपको क्या याद आता है प्रोजोपाइल सेल एट इनकरेंट कैनाल नो स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इन करेंट कैनाल विनाल यही सही है प्रोजोपाइल किसको कनेक्ट करता है स्पंज का पिक्यूलियर कैरेक्टर है स्मॉल कैनाल होता है कनेक्ट्स इन करेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल ये इन करेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ता है प्रोजोपाइल प्रोजोपाइल क्या करता है इन करेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ता है इफ अ चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ अगर एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है इज बोर्न टू पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी इट इज एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है भाई ए बी ओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप जी आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने कोडोमिनेंस का किसका एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का ये किसका एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है कोडोमिनेंस का है सर विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलमस इसमें से कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलमस सिंथेसाइज करता है लेकिन रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड लेकिन यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है तो आप सभी को याद है अभी हम लोग बात कर रहे थे इसकी सेंथेसिस होती है हाइपोथेलमस में और रिलीज करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड वो भी कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन इन डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स में सिंगल स्टैंड आर नॉट हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम बिटवीन अन एंड पिरा बेस ऑन द सेम स्टैंड एडीनिन ऑन वन स्टैंड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू था ऑन द अपोजिट स्टैंडेड टूवर्ड द इंटीरियर ऑफ आंसर है कि एडिनिन जो होता है एक तरफ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है थाइमिन से जुड़ा होता है ये इसका सही आंसर है ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम बिटवीन इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है प्यूरिन के और प्रिमिडीन के कहा ऑन द सेम स्टैंड सेम स्टैंड पे नहीं होता ये अपोजिट स्टैंड पर बनता है इसलिए सी आंसर करेक्ट है और आशा करते हैं सभी का करेक्ट होगा इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग ब्लास्टोपोर फॉर्म्स कह रहे कि फ्रॉग के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टोप्योर से फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोपोर से किसका फॉर्मेशन होता है तो सभी का आंसर आएगा ब्लास्टोपोर से फॉर्मेशन होता है एनस का जी सभी लोगों का जी सभी लोगों का आंसर आ रहा है किसका फॉर्मेशन होता है इससे फॉर्मेशन होता है आपके आप बताएंगे एनस का उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रैबिट पिजन फ्रॉग कॉकरोच रैबिट अगर रैबिट को इधर जोड़ना हो तो किससे जोड़ेंगे सायरिंग्स एनल सरसाई लैरिंग्स वोकल कार्ड तो सबसे पहले बात करते हैं पिजन पिजन में सायरिंग्स होता है डन है पिजन में सायरिंग्स होता है डन है काक्रोच में एनल सरसाई होता है सरसाई होता है डन है फ्रॉग में क्या होता है फ्रॉग में आप बताएंगे सर फ्रॉग फ्रॉग में वोकल सैक होते हैं रैबिट में लैरिंग्स होता है ए का थ्री बी का वन है ए का थ्री बी का वन सी का फोर डी का टू डन उम्मीद करते हैं सभी लोगों का आंसर करेक्ट सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर विच आफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है द डिसऑर्डर डज नॉट अकर इन मेल्स यही यही द डिसऑर्डर डज नॉट अकर इन मेल यही सही नहीं है ये मेल में तो होता ही है इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीमेल ये सही है इट इज पास मदर टू सन ये भी सही है ऑफ ऑल वुमेन आर कलर ब्लाइंडनेस कैरियर ये भी सही है ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा और कौन सा गलत है ये कौन सा गलत है ये है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज सिचुएटेड इन विच पोर्सन ऑफ द ब्रेन रिस्पायरेटरी रिदम से कहा होता है तो आप बताएंगे बचपन से याद है सर जब उल्टियां रुक जाती थी या उल्टियां होने लगती थी तो मम्मी लोग पीछे की तरफ ठोकती थी जो पीछे की तरफ ठोकती थी वो मेडुला अबलांगाटा था क्या था वो मेडुला अबलांगाटा था और मेडुला अबलांगाटा के कारण ये काम होता था 114 इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन द एंकल बोन वॉज वेल डेवलप्ड फर्स्ट इन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंकल बोन वॉज वेल डेवलप्ड फर्स्ट इन तो आप बताएंगे ये डेवलप हुए थे नियंडर थेलेंसिस में किसमें नियंडर होमो होमोसेपियंस नियंडर थेलेंसिस करेक्ट आंसर है रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन काफी अच्छा क्वेश्चन है रीनल पोर्टल सिस्टम इज एबसेंट इन रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें एबसेंट होता है उम्मीद करते हैं सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा सर जी ये मैमल्स में एबसेंट होता है पोर्टल सिस्टम किसमें एब्सेंट एबसेंट होता है यह मैमल्स में एब्सेंट होता है फ्लूड विद इन द लूप ऑफ हेनले इज मोस्ट कंसंट्रेटेड इन करें हेनले में लूप ऑफ हेनले में जो मोस्ट कंसंट्रेशन फ्लूड का देखा जाता है वो किसमें देखा जाता है जी हेनले के लूप में द्रव सर्वाधिक सांद्रित होता है असेंडिंग लिम में डिसेंडिंग लिम्ब में हेयर पिन बेंड में या बेंड बिटवीन द असेंडिंग लिम्ब एंड द डिस्टल टिब्यूल ये समझिएगा ये असेंडिंग लिम्ब है डिसेंडिंग लिम्ब है ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम होती है इनके बीच में बेंड पिन पाए जाते हैं यहीं पर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इसका सही असर होगा हेयर पिन बेंड पहली बार सुन रहे हैं नोट कर लीजिएगा हेयर पिन बेंड हेयर पिन बेंड नोट कर लीजिएगा सी आंसर सही है जी अपने आप से कुछ नहीं बताना है नोट कर लीजिएगा इसको हेयर पिन बेंड इंपॉर्टेंट है जी हेयर पिन बेंड विच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मनुष्य का ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को रोकता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को रोकने वाला हिस्सा कौन सा है आप बताएंगे यह है जिसका बलम अच्छा होता है सेरिबलम उसके पैर लड़खड़ाते नहीं है. तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से कौन सा संबंधित है आपका संबंधित है आपका सेरिबलम कौन सा संबंधित है सेरिब्लम विच द फॉलोइंग इज सोशल इंसेक्ट इसमें से कौन है जो सोशल इंसेक्ट है इसमें से एक है जिसका नाम है जिसका नाम है ड्राई वुड टर्माइट अगर यहाँ पर टर्माइट ऑप्शन होता तो आप लोग फट से टिक कर लेते टर्माइट ड्राई वुड टर्माइट्स एक है जिसका नाम है ड्राई वुड टर्माइट्स ये नाम है कैलोटर्मिस का कैलोटर्मिस को कहा जाता है ड्राई वुड टर्माइट्स। जब ड्राई वुड टर्माइट्स के नाम से फेमस है तो सोशल इंसेक्ट में कौन आ जाएगा सोशल इंसेक्ट में आपका दीमक आता है मतलब सामाजिक कीट कभी आपसे पूछा जाए कि सामाजिक कीट कौन है तो सामाजिक कीट में कैसे कीट होता है बताया था दीमक के लास्ट में का आता है तो ये कीट है और जंतु कौन है सामाजिक जंतु वो है आपकी चीठी कौन है चीठी चीटा भी आ सकता है नो डाउट इन मैमल्स द लोअर ज्वाइंट द इसकोजल डायरेक्टली टू फॉर्म अटोस्टाइलिक सस्पेंशन बिकॉज जी काफी अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं लगभग आप में से सही लोगों का आंसर भी आएगा इन मैमल्सल डायरेक्टली टू फॉर्म सस्पेंशन बिकॉज़ बोथ क्वाड्रेट एंड आर्टिकुलेट बोन्स आर एब्सेंट कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है इसमें दोनों बोन्स एबसेंट होते में निचला जबड़ा सीधे स्क्वामोजल से जुड़कर ऑटो स्टाइल्स लिक सस्पेंशन बनाता है क्यों क्योंकि इसमें क्वाड्रेट और आर्टिकुलेट बोन एब्सेंट होती हैं क्वेश्चन कैसे हैं आप कहेंगे क्वेश्चन सर एग्जामिनेशन के लायक हैं एग्जामिनेशन को देखते हुए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन सारे अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए हैं आपका फर्ज बनता है कि आप इनके स्टैंडर्ड्स पर इनसे फाइट करें और एक दो बार रिवीजन का काम जरूर से जरूर करें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है पेरिपेटस ये बिल्कुल सही है बॉडी कैविटी ऑफ आ सिलोमेट इज फिल्ड विथ बोटराइडल टिश्यू महागलत

अपने पास नोट कर लिया होगा और इसका रिवीजन का कार्य भी अच्छे से करेंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल मंडे है आज टारगेट 24 बैच में जितने लोगों ने एडमिशन लिया है कल की क्लास साढ़े दस बजे होगी और मॉक टेस्ट ट्यूसडे से शुरू हो रहा है सात नवंबर से तो आप सभी लोग जितने लोग इंटरेस्टेड हैं मॉक टेस्ट से सभी लोग सात नवंबर पहला मॉक टेस्ट एक बजे होगा आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहे और लिविंग वर्ल्ड टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें और जो लोग किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग एट सेवन फाइव सिक्स सेवन जीरो थ्री फाइव डबल एट पर ज्वाइन ई एम आर एस मॉक टेस्ट या ज्वाइन बायोलॉजी या ज्वाइन टेस्ट सीरीज या ज्वाइन एनसीआरटी लिखकर भेजें थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गुड नाइट रात्रि जय हिंद